स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, उतार चढ़ाव के बीच आप देख रहे हैं इस समय बाजार थोड़ा संभला हुआ आपको दिख रहा है, इंडेक्स लेवल पर संभला हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट में आज दबाव आ रहा है, कल इंडेक्स फिसला था, ब्रॉडर मार्केट ठीक था, आज आपको इंडेक्स ठीक लिख रहा है बट स्मॉल और मिड कैप्स की भारी पिटाई हो रही है। तो क्या करना है आखिरी डेढ़ घंटे में, कैसे करनी है अगले हफ्ते की तैयारी, आइए उस पर है हमारा फोकस। फिलहाल सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं ये देख लेते हैं। निचले स्तरों से सुधार आया है, हल्की पॉजिटिविटी आपको निफ्टी पर दिख रही है। निचले स्तर से 125 अंक सुधर कर 21,750 पर इस समय आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी यहां पर भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रही है। 45,300 के ऊपर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करेगा 300 पॉइंट की तेजी के साथ। फार्मा और FMCG सुबह से ये बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ और दिग्गज नेम्स भी हैं जहां पर आपको खरीदारी आ रही है जिसकी वजह से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। बट आज मिड और स्मॉल कैप में चल रही है मुनाफा वसूली, स्मॉल कैप 2% नीचे है, मिड कैप में 1.5% की गिरावट है। PSUs, मेटल्स और रियल एस्टेट यहां पर भी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। इन सब के बीच अमेरिकी बाजार लगातार रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, कल शाम भी बनाए थे रिकॉर्ड, आज भी अगर आप देखें नैसडैक फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, वहां से कोई चिंता कोई परेशानी का बात नहीं आ रही है। आइए एक बार अनिल जी से भी समझा जाए इस समय बाजार का क्या कुछ एक्शन है और कैसे वो कर रहे हैं बाजार की सिचुएशन रीड, और फिर डेटा भी समझेंगे सर के साथ। अनिल जी गुड आफ्टरनून, सुबह वाले एक्शन चल रहा है सर, थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप की मुनाफा वसूली बढ़ी है, वहां पर आज थोड़ा प्रेशर ज्यादा है बट इंडेक्स लेवल पर कोई परेशानी नहीं है और बैंक निफ्टी स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, बड़े प्राइवेट बैंक्स जो हैं आज लीडरशिप दिखा रहे हैं सर। दीप एक वक्त था जब निफ्टी विफ्टी कुछ नहीं कर रहे थे बल्कि करेक्शन के मोड में थे, बैंक निफ्टी नीचे जाता था, निफ्टी नीचे जाता था, तब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अपनी दुनिया में अच्छी तेजी दिखाते थे, तब लोगों को लगता था कि इनको क्या देखना है, ये सब बढ़िया तेजी वाला मामला है। कभी कभार थोड़ी आपको उल्टी रेसिपी भी देखनी को मिलती है, अभी वक्त थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के बजाय लार्ज कैप्स का है, थोड़े लार्ज कैप में लोग ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं। आप देखिए इंडेक्स लेवल पे जैसा आपने कहा कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट लेवल 21,650 के आसपास जो सपोर्ट था, 650-750 की बाइंग रेंज थी, आज दो बार मौके दिए, तीन बार मौके दिए उस रेंज में खरीदने के और बार बार ऊपर आ रहा है। बैंक निफ्टी आप देखिए, हमारा बहुत साफ कहना था कि मंदी 44,850 के नीचे होगी, आज का लो 44,860 का है, मतलब आप इंडेक्स में इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं कुछ भी, और ऊपर का रेंज भी हमारा 45,500 का था, एग्जैक्टली 45,488 का ही बनाया, मतलब परफेक्ट ट्रेड आपके इंडेक्स में। आपको क्या करना होता है, आपको अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको सही जगह होना होता है, सही जगह में आज सुबह हम बात कर रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप और PSU, इन तीनों जगह प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ पर आप सावधान रहिए, इंडेक्स में लोअर लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, तो वही ट्रेड रहेगा थोड़े वक्त के लिए जब तक चीज़ें ठीक ना हो जाए, जब तक इन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का सरकारी कंपनियों का करेक्शन पूरा ना हो, पूरा होगा यहाँ संकेत आपको मिलेगा, तब तक आप थोड़ा सा इंडेक्स पर फोकस कर लीजिए ट्रेडिंग के लिहाज से। रहा सवाल इन्वेस्टर्स का जिनके पास है, मेरी राय ये थी सुबह भी कि जिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, जिन PSU स्टॉक में आपको बड़ा रनअप हुआ है, अच्छे पैसे बन रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस आपको नीचे मौका मिलेगा। अब कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे जो 6 महीने से, 12 महीने से, 3 महीने से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर लेके बैठे हैं, अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, क्या उनको अभी भी बुक कर लेना चाहिए? अगर आपकी प्राइस आपके हाई से 5-7% ही घटे हैं, 4-5% ही घटे तो कर लीजिए, लेकिन अगर 15-20% का करेक्शन हाई से आ चुका है कुछ कुछ स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में या फिर PSU स्टॉक्स में, तो वहाँ रहने दीजिए, इन्वेस्टर्स के तौर पर आप बने रहिए। ट्रेडर्स के लिए राय साफ है कि थोड़े समय के लिए, जब तक कि चीज़ें फिर से बैक टू पवेलियन नहीं आती, वैसे पुरानी नहीं आती, तब तक आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को छोड़कर इस वक्त इंडेक्स में आ जाइए। इंडेक्स खराब नहीं है, शेयर खराब है, कुछ दिन तक पहले शेयर खराब थे, इंडेक्स खराब था, शेयर अच्छे थे, सो कभी कभी ट्रेड बदलता है, ये बदलता हुआ ट्रेड है क्योंकि दोनों ही इंडेक्स अच्छे सपोर्ट लेवल पर रुकते हुए दिख रहे हैं। सो जाहिर सी बात है कि अगर इंडेक्स अच्छा है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं गिरेंगे, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अगर बहुत ज़्यादा गिरने वाले हैं तो इंडेक्स ज़्यादा वक्त तक अच्छा रह नहीं पाएगा, तो दोनों में से एक चीज़ ठीक हो जाएगी, और जब तक नहीं होता है तब तक आपका फोकस क्लियर होना चाहिए लोअर लेवल पर। सुबह भी मैंने कहा लोअर लेवल पर आपको डरना नहीं है, आपको ट्रेड में ऐसा लगेगा कि बस निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेक करके नीचे मरने को तैयार है, गिरने को तैयार है, वहाँ पर ले लीजिए थोड़े से समय के लिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर, हल्की सी सावधानी रखिए, बस दैट्स इट। जी तो थोड़ी हल्की सावधानी रखिए और बड़ी तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली तो आती रहती है जो इस समय आपको होते हुए भी दिख रहा है।
लेवल्स रिस्पेक्ट करें, बाजार के मूव को आप इस समय ट्रैक करें। थोड़ी देर में अनिल जी से स्ट्रैटेजी भी लेंगे, आइए उससे पहले एक बार बात करते हैं कुशल और नुपुर के साथ और समझते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और साथ ही आज की सारी खबरें और नतीजे भी। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीपा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिहाज से ऑफकोर्स हीरो मोटोकॉर्प अपने पोस्ट मार्केट नंबर्स डिक्लेयर करने वाला है, साथ ही फिनो स्पेस से टाटा पावर, पीआई इंडस्ट्रीज और बंधन बैंक पर भी आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट आज तीन आईपीओ राशि पेरिफेरल्स, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक समेत कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है यहाँ पर आईपीओ इनके बंद होते हुए नजर आएंगे। जहां तक कल का सवाल है, निफ्टी से डिविज लैब, ओएनजीसी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा, साथ ही फिनो स्पेस से अरबिंदो फार्मा और एमसीएक्स के नतीजों पर भी रखिए नजर। इनका रिएक्शन आपको सोमवार को आता हुआ दिखेगा। 11 तारीख रविवार अंडर वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। साथ ही 12 तारीख सोमवार को जनवरी महीने का हमारा जो सीपीआई आंकड़ा है वो आता हुआ दिखेगा और साथ ही दिसंबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर भी आपको नजर रखनी है। नंबर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट डे अगेन कोल इंडिया, निफ्टी से, साथ ही एफएनएस पे से संवर्धन, मदरसन, भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सेल ये भी अपने नंबर्स घोषित करेंगे। साथ ही आरबीआई सेंट्रल बोर्ड को वित्त मंत्री जी एड्रेस करती हुई भी दिखेंगी। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन 50% आईपीओ एंकर लॉक इन इनका 30 दिनों का भी खत्म हो जाएगा और साथ साथ एसबीएफसी फाइनेंस एंड कॉनकॉर्ड बायोटेक प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन इनके भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग भी होगी जिसमें अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल ये शामिल है। कुल मिलाकर लगभग 63 टाइम्स ये भरता हुआ नजर आया था, देखना होगा कि किस तरह की लिस्टिंग यहां पर होती है। अंतरिम डिविडेंड के लिहाज से टोरेंट फार्मा जो 22 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दिया था एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा और ग्लोबल इवेंट ऑफकोर्स चीन के बाजार पूरे हफ्ते के लिए बंद रहने वाले हैं, साथ ही जापान यहां पर ट्रेडिंग हॉलीडे होगा और सिंगापुर और हांगकांग के बाजारों में भी चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी है। वहां पर तो खैर लंबी छुट्टी चली रही है, एंजॉय करेंगे, बट हाँ काफी एक्शन, काफी डेटा हमारे बाजारों में भी आ रहा है। कुछ नतीजे आ चुके हैं ऑलरेडी, उस पर भी स्टॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ खबरें भी आई हैं। नुपुर गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से खबरें और आज के नतीजे। गुड आफ्टरनून, सबसे पहले जाइडस लाइफ, यहाँ पे नतीजे काफी अच्छे अनुमान से बेटर आपको नजर आएंगे। कंपनी की आय देखिए तो 4510 करोड़ के आसपास आते हुए दिखी, अनुमान 4370 करोड़ के आसपास का था। मार्जिन्स भी 22.5% से बढ़ के 24.5% पहुंचते हुए दिखे और कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है। 600 करोड़ का ये बायबैक होगा, 1005 रुपए के भाव पे किया जाएगा टेंडर ऑफर के जरिए। ये जो बायबैक की प्रक्रिया ये की जाएगी। एमआरएफ भी आज फोकस में, कंपनी की आय में देखें तो 9% की बढ़त आपको नजर आएगी, मुनाफा 3 गुना बढ़ते हुए नजर आया। कामकाज लेवल पर भी मुनाफा देखें तो 90% की ग्रोथ यहां पर भी आती हुई दिखी। मार्जिन्स ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिख रहे हैं लेकिन कंपनी ने सिर्फ 3 रुपए का डिविडेंड का ऐलान किया, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। एलकेम जहां पे नतीजे काफी बेटर है अनुमान से, कंपनी की आय में 9% की बढ़त है, कामकाज लेवल पे मुनाफा देखे तो 460 करोड़ से बढ़ के 604 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा है। मार्जिन 20% का अनुमान था, 21% के आसपास आते हुए दिखे, तो एलकेम लैब भी आज फोकस में। सारेगामा के भी नतीजे आते हुए दिखे जहां पे कंसोल मुनाफा देखे तो 53 करोड़ से हल्का सा घट के 51 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। जो कंपनी की आय है वहां पे हालांकि आपको 20 करोड़ की बढ़त आती हुई नजर आएगी और मार्जिन में थोड़ा जो है वो कमजोरी आती हुई नजर आई है। बजाज इन जहां पे घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिख रही है, 58 करोड़ के घाटे के मुकाबले 20 करोड़ का मुनाफा क्वार्टर 3 में आते हुए नजर आया। कंसोलिडेटेड आय भी देखें तो 1431 करोड़ से बढ़ के 1740 करोड़ पहुंचती हुई दिखे। खबरों के लिहाज से आज मैक्स हेल्थ केयर भी फोकस में, एलेक्स हॉस्पिटल का जो अधिग्रहण है वो अब कंपनी ने कर लिया है। 412 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर इस एक्विजिशन को किया गया है। अंबुजा सीमेंट जहां पे सांगी इंडस्ट्रीज में करीबन 8% हिस्सा खरीदने का जो है वो ओपन ऑफर के जरिए कंपनी खरीदती हुई नजर आई है। ब्लॉक डील जोमैटो में आज सुबह से 1 करोड़ शेयर्स की जो इक्विटी एक्सचेंज हुई है। HDFC बैंक 20 लाख शेयर, PNB 11 लाख शेयर, ITC 10 लाख शेयर, मैक्स हेल्थ केयर में भी 65 लाख शेयर और PFC लास्ट में जहाँ पे 11 लाख शेयर्स के जो कई सौदे वो सुबह से होते हुए दिखे। तो कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, कुछ नंबर्स भी आए हैं, उसका एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। M&M आज वैसे स्टॉक थोड़ा नर्म है, खबर अच्छी आ रही है, इन्होंने एक डिफेंस कंपनी के साथ करार किया है, C-390 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए करार किया गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपको M&M के लिए आते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक आज थोड़े नरमी में दिख रहा है, बट इन्होंने एम्ब्रेयर डिफेंस इनके साथ करार किया है इस एयरक्राफ्ट को चलते लेकर। तो चलिए, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है M&M के लिए। इनका एक डिफेंस बिजनेस ऑलरेडी है, कुछ व्हीकल्स ये ऑलरेडी बनाते हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए और कुछ और फोर्सेस के लिए भी ये काम किया है। ब्राज़ील की है ये कंपनी एम्ब्रेयर, जिनके साथ इन्होंने ये करार किया है। रखेंगे नज़र इस काउंटर पर भी। राय सारे मेहमान भी हमारे साथ है तैयार, बंसल जी, सुमित जी, विश्वेश चौहान साहब,
वागले जी, आशु सर एंड ऑफकोर्स शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। बाजार में एक्शन दोनों तरफ का आपको आते हुए दिख रहा है। बैंक्स में आपको एक बढ़िया रिकवरी का मूड इस समय आते हुए दिखेगा। थोड़े फार्मा शेयर्स पर भी रखें नज़र। चुनिंदा आईटी में भी आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। देखते हैं यहाँ से कैसा एक्शन बनेगा। बट पीएफसी आरईसी यहाँ पर बड़े कट्स आए हैं। एक बार जरा वागले साहब से पीएफसी के चार्ट पर राय लेना चाहूंगा। वागले साहब, सुबह इस पर चर्चा भी हो रही थी, 11% का कट है सर। बाजार के फेवरेट्स हैं वैसे पीएफसी आरईसी, बट जो नतीजों के बाद रिएक्शन है वो थोड़ा सिवियर है। जरा पीएफसी का चार्ट एक बार देखें, 11% के कट के बाद क्या व्यू है इस पे? दीपांशु, कल के मूव के बाद जो मोमेंटम से ये टूटा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा और डाउनसाइड डेफिनेटली होगा, 400-390 तक के लेवल्स ये मोमेंटम में आ सकते हैं, लेकिन अभी आपको बेचने के लिए स्टॉप लॉस मैच नहीं होगा, क्योंकि 440 का स्टॉप लॉस जो एज ए ट्रेडर काफ़ी लंबा है, तो अवॉइड करना ही ठीक है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है, कल तक उसमें कोई वीकनेस के साइन नहीं थे और आज जो मोमेंटम से टूटा है, थोड़ा और डाउनसाइड डेफिनेटली लगता है। थोड़ा और डाउनसाइड डेफिनेटली इस पर लग रहा है, यहाँ पर रखेंगे नज़र। बट कोई परेशानी नहीं आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। सुबह एक मूव आई थी, उसके बाद स्टॉक फिसला, उसके बाद जो मूव आई है वो काफ़ी मजबूत रही है। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई में अच्छा एक्शन है, लाइफ हाई पर है और बाकी बैंक्स भी अच्छे मूड में दिख ही रहे हैं। एक बार पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर बंसल जी की राय लेनी है। बंसल जी, गुड आफ्टरनून सर। बैंक ऑफ बड़ौदा ज़रा देखें इसको एक बार। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, नए हाइस पे ऑलरेडी आ चुका है और ऊपर में 274-275 के लेवल्स ये मोमेंटम के साथ दिखा सकता है, तो जिनके पास है होल्ड करें। 257 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 273-275 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस पर रखनी है आपको नजर, बढ़िया एक्शन में दिख रहा है। आशु जी भी हमारे साथ हैं। आशु सर, एक तो बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, एसबीआई आपका फेवरेट, यहाँ पर जबरदस्त रैली है, लाइफ हाई पर है। कल भी हमने देखा बाकी बैंक्स पर प्रेशर था, एसबीआई पर उतना इम्पैक्ट नहीं आया। आज भी हम देख रहे हैं लीडरशिप दिखा रहा है, हालांकि सुबह बाकी पीएसयू बैंक्स कमजोर थे। इस पर कोई फ्रेश व्यू है तो दें, और ऑफकोर्स बैंक्स में क्या चल रहा है ये भी बताएं सर। दीपांशु, बिल्कुल एसबीआई पे फ्रेश हुआ है। मैं पहले थोड़ा मार्केट के बारे में एक मिनट लेके बताता हूँ। दीपांशु, जो हमने मार्केट में देखा, अभी आप वागले जी से पीएफसी ये सब की बात कर रहे थे, तो इतने दिनों में पहली बार ना एक जो इसे कहते हैं क्रेडिबल करेक्शन देखने को मिली है। तो दीपांशु, ये साइन होता है जैसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो चाहे टीम्स जितनी भी अच्छी हो दीपांशु, टॉस हमेशा जो जीतता है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो होता है कि जब तेजी में तेजी और करेक्शन में कि पहला जो एडवांटेज है ना वो जरूर लेना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का। दीपांशु, इतने रेजिंग बुल मार्केट में इतने बड़े पैसे बने हैं, इतने अच्छे पैसे बने हैं, तो उसको संभालना बहुत जरूरी होता है। सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। हमने दो दिन पहले एक वेबिनार किया, तो मैं एक आरईसी, मतलब देयर इज नो रिकमेंडेशन ऑफ बायर सेल एंड आरईसी, मैं बोल रहा था कि कुछ महीने पहले 150 रुपए था, आज 510 रुपए है। अब 150 से 350 रुपए की मूव ऊपर आई, जितना पैसा वो 350 रुपए की मूव ने ट्रेडर्स ने बनाया होगा, और अगर उसमें से वो 1/3 भी नीचे आ गया, मतलब 100 रुपए भी वो नीचे आ गया ना, उससे ज्यादा पैसा चला जाएगा। तो ये दीपांशु, ये ट्रेडिंग का पिटफॉल है या डाउनसाइड है, कुछ भी करिए, बट ये रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग है कि आप जितना जितने 100 रुपए की मूव में कमाते हैं, वो 30 रुपए की करेक्शन आ जाए, तो वो जो अनिल जी की भाषा में अगर हम कहें ग्लास कहां से देखेंगे, तो नीचे से तो बहुत ज्यादा 3/4 भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से अगर 25% भी एम्प्टी हुआ ना, तो ट्रेडर का प्रॉफिट चला जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की स्टॉक्स में आज करेक्शन देखने को मिली है, वो एक क्रेडिबल करेक्शन है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। उसके बावजूद भी दीपांशु, कुछ एक दो पॉकेट्स हैं जो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, और उसमें जो आपने इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे अहम सवाल पूछ लिया, वो एसबीआई का है। एसबीआई दीपांशु, हम हर भाव पे स्प्रेड बनाते जा रहे थे, 600-660, फिर 630-680, अब मुझे लगता है दीपांशु एक नया स्प्रेड भी बनाना चाहिए। स्टेट बैंक भी ऐसा स्टॉक हो गया डिलीवरी का, जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज दीपांशु के 100 रुपए की मूव इसमें जल्दी ही और ना आ जाए और 800 की तरफ, बट आई हैव अ राइट टू गो रॉन्ग। तो मुझे लगता है 700 रुपए की अब कॉल लेनी चाहिए, 730 या 740 की कॉल बेच के फिर फ्रेश बुल स्प्रेड ट्रेडर्स को बनाना चाहिए, और डिलीवरी के लिए तो 700 के ऊपर और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है एसबीआई। एसबीआई बहुत अच्छा लग रहा है, और दीपांशु स्प्रेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेडर के लिए जो वॉलिटिलिटी है, जब आरईसी पीएफसी घटेंगे तो स्टेट बैंक भी देखिए, सुबह 718 खुल के 696 का लो बना, फिर 700
दो बंद हुआ, मतलब बंद हो के फिर अब से 718 आ गया, तो ये चीज चलती रहेगी। आप ट्रेडर्स के लिए ये वॉलिटिलिटी नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि डर लगेगा कि मैंने बहुत ऊपर ले लिया, वॉलिटिलिटी ऐसे आएगी धन। लेकिन स्प्रेड बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दी सेम स्प्रिट मैं बता दूं, जैसे वेदांता एक लास्ट हमारा स्प्रेड बना हुआ है दीपांशु, मुझे लगता है उसमें बने रहना चाहिए। स्प्रेड में शांति यही होती है कि ऑप्शन का जो मैंने प्रीमियम नेट में दिया हुआ है उससे ज्यादा लॉस मुझे हो नहीं सकता, मुझे अनलिमिटेड लॉस का डर नहीं है, सौदा नहीं कटेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 10 दिन है, बट कमिंग बैक टू SBI, मुझे बहुत सही लग रहा है ये SBI। इतने सालों के बाद ये जो जिस तरह की मूव दिखाई है, वन ऑफ द रेयर मूव्स जो कि बाकी PSU बैंक्स में दिखी है, बाकी PSU स्टॉक्स में दिखी है, तो SBI में क्यों नहीं आ सकती है। तो आई थिंक द वे इट हैज ब्रोकन आउट, जो हम पहले बोलते थे 650 का हर्डल से 6 बार वापस आया, 5 बार आया, 4 बार हमें धोखा दिया, बट अब निकला है तो पूरा वसूलेंगे भी तो SBI को। SBI मजा करिए, डिलीवरी चाहे तो डिलीवरी उठा लीजिए, वरना जो स्प्रेड आशु जी ने कहा 700 की कॉल खरीद कर 730 या 740 की कॉल बेच लीजिए बाजार की वॉलेटिलिटी से बचने के लिए। बट SBI पर पूरा पूरा भरोसा है आशु जी का इस समय। शरद जी से भी SBI और PSU बैंक्स पर बात करेंगे। आइए उससे पहले निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हैं हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या कर रहे हैं इस समय बाजार में? देखिए यहाँ पे हम 21800 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 148 में मिलती है आपको। 21800 की कॉल ऑप्शन 148 में मिल रही है और इसका स्टॉप लॉस होगा 124 रुपए का, यानी 24 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है केवल 24 रुपीज का। और इसके फर्स्ट टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि 165 से 170 होना चाहिए, और उसके ऊपर निकलती है तो फिर आप बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगाकर क्लोजिंग तक होल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट 165 से 170 होगी, स्टॉप लॉस 124 होगा, 21800 की कॉल ऑप्शन देंगे। बैंक निफ्टी पर सर? निफ्टी पे मैं अभी स्टडी करके आया हूँ, बैंक निफ्टी की कॉल नहीं देखी है तो निफ्टी पे। चलिए तो निफ्टी पर ही भरोसा है, बट कॉल खरीदने की राय 21800 निफ्टी की कॉल खरीद कर चलिए। यहाँ पर शरद जी को नितिन जी को एक्शन बनते हुए दिख रहा है और निफ्टी भी अब 50 पॉइंट ऊपर है, 21775 के लेवल पर आने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर भी एक्शन अच्छा बना हुआ है। SBI की बात कर ही रहे थे, एक बार शरद जी से भी राय ले जाए। शरद जी, जिस तरह का मूव आ रही है SBI में, बाकी बैंक में कुछ भी चल रहा हो, SBI तो अपनी जोन में आ गया है सर। देखिए सबसे अंडरवैल्यूड भी था, अगर आप बाकी नंबर्स के हिसाब से भी देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक में जो फॉरवर्ड नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है और जो रिटर्न रेशियोज वगैरह हैं उसके कंपैरिजन में SBI मच बेटर प्लेस्ड था। सबसे बड़ा एंटिटी होने की वजह से प्रीमियम की जगह डिस्काउंट मिल रहा था वैल्यूएशन में, तो मुझे लगता है फाइनली कैचअप प्ले कर रहा है। हमारे लक्ष्य तो 750-850 के हैं उसमें, तो मुझे लगता है ग्रेजुअली शायद उसी की तरफ मूवमेंट हो। ग्रेजुअली हो तो भी आश्चर्य होगा जिस टाइप की मूवमेंट हो रही, बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मैं अचंभित नहीं हूँ, ऐसे रोटेशनल शिफ्ट्स होते हैं। और मेरे हिसाब से इस क्वार्टर के नंबर्स में भी जो 5% सिक्वेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने एडवांसेस में ग्रोथ देखी है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एसेट क्वालिटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं, तो मुझे लगता है फाइनली जो स्पेस है वो इनको मिल रही है। वैसे ही हो सकता है आने वाले समय में आपको HDFC और कोटक में भी इस टाइप का कैचअप देखने को मिले। तो चलिए रखेंगे नजर, बट अच्छा एक्शन बन रहा है SBI में। HDFC ऑफ कोर्स कुछ ज्यादा अभी नहीं कर रहा है, बट SBI क्लियर लीडरशिप आपको दिखा रहा है और वहां से मोमेंटम भी बढ़िया बना हुआ है। एक और स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आ रही है वो है आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज। नतीजे इसके कुछ ज्यादा खास नहीं आए थे, इनफैक्ट स्पेस के हमने कुछ ज्यादा खास नतीजे नहीं देखे, बट वायदा कारोबार का थर्ड बिगेस्ट गेनर इस समय आपको आरती इंडस्ट्रीज है। क्या कुछ वजह है जो आरती इंडस्ट्रीज में अच्छा एक्शन है, डेज हाई के आसपास स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है? आइए एक बार समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए यहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस आ रही है? बिल्कुल दीपांशु, 4% की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और कारण है अर्निंग्स में जिस प्रकार से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सभी को पता है कि केमिकल स्पेस में सभी के जो प्रदर्शन है काफी निराशाजनक, बड़े कमजोर देखने को मिले थे, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज कंपेरेटिवली बेटर किया। कैसे किया बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर 4% की आपको नजर आई, साल दर साल की है। अब SRF को देखिए 12% की डी ग्रोथ, टाटा केमिकल्स 10% की डी ग्रोथ, UPL 28%, नवीन फ्लोराइन 11%। इसके सामने अगर 4% की भी ग्रोथ आ जाए तो अपने आप में काबिले तारीफ है। सिमिलरली अगर आप देखें तो EBITDA का भी ट्रेंड जो ग्रोथ का है वो इंडस्ट्री में दिखा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट है। मिसाल के तौर पर नवीन फ्लोराइन 27% की गिरावट रही, UPL के तो बड़े डिजास्टर नंबर्स थे, 86% का कट देखने को मिला था। टाटा केमिकल 60% की गिरावट, SRF 30-31% जो है पिछले साल के मुकाबले डीग्रोथ देखने को मिली थी।
वहीं अगर आप आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो 10% की जो है डीग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, यानी कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो डिमांड रिकवरी के बारे में मैनेजमेंट बात कर रहा है वो अपने आप में अच्छा, और जो मार्जिन की तरफ से गाइडेंस निकल कर आ रही है वो भी अच्छी है। मार्जिन पर बता रहे हैं मैनेजमेंट की 25-30% के जो मार्जिन है आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर है, इसके बाद भी 15% के जो बेटा मार्जिन है कंपनी ने रिपोर्ट किए। आगे जाके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इसमें भी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। एग्रोकेमिकल सेगमेंट है ये भी कुछ तिमाहियों में अच्छा रिकवरी कर जाएगा, और केमिकल सेगमेंट में देखें तो 2500 से लेके 3000 करोड़ के केपेक्स के भी प्लान है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में बड़े कॉन्ट्रैक्ट विन के चलते भी ये स्टॉक जो है फोकस में रहेगा रहा था, क्योंकि 9000 करोड़ के आसपास के जो है यहाँ पर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे जिन्हें आगे आने वाले सालों में एग्जीक्यूट करेंगे, और इसमें जो एबिटा मार्जिन की गाइडेंस निकल कर आ रही है वो 15-17% की, यानी कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सुधरते जा रहे हैं और अच्छी ग्रोथ की गाइडेंस है मैनेजमेंट की तरफ से, और इसी का कारण है कि हल्के से कमजोर नतीजों के बाद भी आप देखिए स्टॉक में खरीदारी है। आई थिंक SRF में भी हमने देखा था गाइडेंस के बाद स्टॉक में थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा था, और आरती इंडस्ट्रीज में भी आपको वैसे ही होते दिख रहा है। तो इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बट आगे की परफॉर्मेंस को लेकर बाजार थोड़ा एक्साइटेड हो रहा है। शरद जी, केमिकल स्टॉक्स वैसे तो नंबर्स को ज्यादा खास नहीं है, आरती के भी नहीं थे, बट आगे के आउटलुक को लेकर बाजार थोड़ा पॉजिटिव है? देखिए जेन्युइनली नॉन एग्रोकेमिकल में तो शायद मोस्ट प्रोबेबली जो ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी वो लार्जली एड्रेस हो गई है, जैसे जैसे यूरोप नॉर्मलाइज होता है। US में भी अब बहुत ज़्यादा रिसेशनरी फियर्स हैं नहीं, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन आ जाना चाहिए। तो केमिकल वाले साइड में एक ये रेड सी वाला इशू है, अगर आपका थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक कॉस्ट का हेडविंड आ सकता है, बट वो भी मेरे हिसाब से बहुत सस्टेनेबल नहीं होगा, अगले 2-3 महीने में लार्जली वो भी एड्रेस हो जाना चाहिए। तो केमिकल स्टॉक्स में अब ये वैल्यूएशन पे यहाँ से फॉरवर्ड, जैसे अभी आरती की आप बात कर रहे थे तो फॉरवर्ड नंबर्स में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, पॉसिबिलिटी है, और आने वाले समय में हो सकता है ये और इम्प्रूव हो, जैसे जैसे जो नया कैपेक्स है वो भी काम करने लगता है और एग्जिस्टिंग जो कैपेक्स है उसका रैंप अप होता है, थोड़ा बहुत रियलाइजेशन इम्प्रूवमेंट होता है, तो अगले 2 साल में 20-25% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ, 30-35% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ आसानी से आ जानी चाहिए। 27-28 रुपये रिपोर्ट करता है तो मुझे लगता है 25 अग्रेसिवली 30 तक के मल्टीपल मिल सकते हैं, और फर्दर अगर अर्निंग्स अपग्रेड होती है काफ़ी फास्ट हो सकती है साइकिल में, तो आप 700-750 रुपये तक उम्मीद कर सकते हैं स्टॉक में। और जनरली मुझे लगता है एग्रोकेम में भी मैं तो बुलिश था, अभी भी बुलिश हूँ, मुझे लगता है जो वैल्यूएशन पे खास करके जो बड़ी कंपनीज हैं वो मिल रही है, चाहे PI इंडस्ट्रीज हो चाहे UPL हो सकता है 6 महीने साल भर और वेटिंग टाइम बढ़ जाए, बट मेरे हिसाब से उसके बाद जो रिटर्न्स आएंगे वो लार्जली उसको बैलेंस आउट कर देंगे, क्योंकि जब ये टर्न अराउंड होगा तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। UPL के लिए खास करके लोअर इंटरेस्ट रेजीम अगर आती है अगले 6-8 महीने में तो वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी बोरोइंग भी है। तो मैं तो बुलिश हूँ एग्रोकेमिकल स्पेस पे भी, मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बढ़िया रिटर्न आना चाहिए, और नॉर्मल केमिकल वाली कंपनीज में, स्पेशलिटी केमिकल में, फ्लोरोकेम में, ये सब में मुझे लगता है कि ऑलरेडी बॉटम हो गया है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डायनामिक्स। भाव के हिसाब से भी मेरे हिसाब से अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने की गुंजाइश है नहीं, चाहे SRF हो चाहे नवीन फ्लोरिन हो, अलग अलग रीजन्स हैं इन स्टॉक्स में गिरने के, बट ब्रॉडली मुझे लगता है कि अब नंबर्स में बॉटम आउट हो गया है, यहाँ से आने वाले 4-5 क्वार्टर तक हम लगातार अपग्रेड्स ही देखेंगे इन कंपनीज में, यहाँ से और परेशानी नहीं आनी चाहिए, ये क्लियर व्यू बन रहा है शरद जी का। शायद चीज़ें अब आगे जाके इम्प्रूव हों, अगले क्वार्टर हों या उसके बाद हों वो अलग बात है, बट यहाँ से और ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये व्यू क्लियरली आ रहा है। NCL इंडस्ट्रीज इस पर रखेंगे नज़र। सुमित जी एक बार ज़रा चार्ट भी पुलअप कर लीजिए, आपसे मैं लेवल्स भी पूछता हूँ, इसके नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी यहाँ पर आपको आती हुई दिखी है, वो एक अच्छा फैक्टर है, 419 करोड़ से आय बढ़कर 505 करोड़ की यहाँ पर आती हुई दिख रही है NCL इंडस्ट्रीज़ के लिए। मार्जिन्स में कटौती हुई है, 12.7% के मार्जिन्स घटकर 11.3% पर आए हैं, एबिटा भी करीब सिर्फ 4 करोड़ ही बढ़कर आया, तो वहां पर ज्यादा एक्शन नहीं है, बट जो मुनाफा है वो 20 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ आया, तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है बट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं है, जहां तक NCL इंडस्ट्रीज का सवाल है। एक बार चार्ट देख लें सर सुमित जी। दिवांशु, स्टॉक साइडवेज है, एक अच्छी तेजी के बाद ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैं इसके लेवल्स बता देता हूं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 237-238, 237-238 ये नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 248-250, यानी फ्रेश तेजी 250 का लेवल टूटने के बाद देखने को मिलेगा।
वो नीचे में 237 238 का अगर सपोर्ट टूटा तो शॉर्ट टर्म में 230 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो डिप में इसमें खरीदारी कर सकते हैं, सपोर्ट्स होल्ड कर सकते हैं और अभी जब तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहेगा तब तक इसी रेंज में घूमेगा स्टॉक। ये है आपके लिए एनसीएल इंडस्ट्रीज, एक रेंज में ही है, कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं दिखा रहा है, बट कुछ और स्टॉक्स में एक्शन आते हुए दिख रहा है। आईटी पर रखे नजर, ओरेकल फाइनेंस। विश्वेश जी जरा इसका चार्ट पुल अप करिए क्योंकि पिछले 5-10 मिनट में बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन बन रहा है। ओरेकल फाइनेंस 7,500 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है और 5-10 मिनट से थोड़ा एक्टिव भी हो रहा है, जरा देखें ये चार्ट विश्वेश जी। मैजिकल चार्ट है दीपांशु, बेसिकली आपको ये समझना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 2013 में लास्ट टाइम 4700 के आसपास था। इनफैक्ट 2 या 3 वीक पहले मैंने सेम शो में, फ्राइडे के क्लोजिंग के शो में, यू नो मिड ऑफ जैन में 4650 के आसपास रिकमेंड किया था, मेरा 6-7 हज़ार का टारगेट था, वो डन हो गया। लेकिन एक सेम थीम है जो मैं शायद काफ़ी दिनों से यू नो लगातार रिपीट कर रहा हूँ, अब तो शायद रिपीटेटिव भी साउंड होगा कि मार्केट एलिवेटेड है, मेरे पास अभी भी कैश फ्लो आ रहा है, मैं अलोकेट करना चाहता हूँ, तो मैं वही सारे स्टॉक ढूंढता हूँ जहाँ ग्रोथ है और वैल्यूएशन चीपर है। एंड आई थिंक द आईटी बास्केट ये चीपर है, शायद एक और स्टॉक है जो मैंने रिकमेंड किया है असेलिया सॉल्यूशंस, वो भी चीपर है। तो यहाँ पे ये नई ट्रेजेक्टरी में चला गया और जैसे शायद अनिल जी ने भी 2-3 बार कहा है कि जब स्टॉक 5-10 साल बाद कोई रेंज निकालता है, जैसे DLF हो गया या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक है, तो फिर वो काफ़ी ऊपर जाते हैं। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम को बेस्ट वे टारगेट ड्रिवन नहीं कर सकते हो, राइट, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। और अब मुझे ऐसा लगता है इसका इमीडिएट 6800 का एक नया बेस माना जाएगा। और आप ऐसा समझिए कि स्टॉक का अगर मीडियम टर्म बेस 4,4800 था, अब इसका नया बेस लेवल 6500-6800 होगा। जब तक उसे नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ एग्जिट करना चाहिए। आई थिंक ये शायद 8-8500 तक भी देख सकते हैं, 8-8500 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। अनिल जी का न्यू ईयर पिक था 1 जनवरी को ही, इस साल 4,364 के लेवल थे जहां से रिकमेंड किया था, 5,350, 5,850 और 6,500 तक के टारगेट थे जो अनिल जी एक महीने में ही आ गए, इनफैक्ट 3 हफ्ते में ही आ गए थे आई थिंक। और उसके बाद अब 7,500 और विशेष जी 8,000-8,500 की भी बात करें, जबरदस्त मूव जो पिक ऑफ द ईयर की 3 हफ्तों में आती हुई दिखी थी ओरेकल फाइनेंस, आज भी वो मूव बरकरार दिख रही है सर। बिल्कुल दीप, और अच्छा प्रदर्शन किया स्टॉक ने, और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक की जो एक टर्न अराउंड स्टोरी बनी पिछले नतीजे में उसने कमाल किया है। पहला कमाल वहाँ से आया, सबसे बड़ा दूसरा कमाल था सस्ते वैल्यूएशन का, जब हमने रिकमेंड किया 5-6% का डिविडेंड यील्ड होता था आईटी कंपनी में, और सबसे बड़ी बात पेरेंट कंपनी विदेशी कंपनी और जिस जो अच्छे खासे मल्टीपल पर वैल्यूएशन पर ट्रेड करती थी, और यही वजह कि हमने लगातार कहा कि आप इसको टाइम वाइज होल्ड करिए। कभी कभी कोई स्टॉक जल्दी चल जाता, कभी कभी लंबा इतना समय लगाता है। अभी भी फॉर एग्जांपल स्ट्रेट फार्मा हमारे भाव से अभी भी 200-300 रुपये नीचे लंबा समय हो चुका है। कभी कभी कुछ स्टॉक्स है, TVS लॉजिस्टिक्स हो वाला स्टॉक अभी भी नहीं चला, तो कई बार नहीं भी चलते हैं। सो इसमें ज़्यादा तेज़ी से भाग गया तो इसमें हमारा कमाल नहीं है, कमाल सीधे सी बात है मार्केट भी अच्छा है, कंपनी के नतीजे सही टाइम पर अच्छे आ गए, अच्छे वैल्यूएशन पर रिकमेंड हो गया, तो ये सब चीज़ें मिलके है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास है तो थोड़ा टाइम वाइज होल्ड करिए, हड़बड़ी और जल्दीबाजी में बेचिए मत जी, थोड़ा टाइम वाइज होल्ड करिए, जल्दबाजी में बेचना नहीं है, ये क्लियर व्यू बन रहा है। ग्लोबल स्पिरिट्स के भी नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स के बाद स्टॉक में रिएक्शन देखिए, 8% ऊपर है। अगेन लिकर स्पेस और इससे एसोसिएटेड स्पेस पर भी हमारा फोकस बना हुआ है। मुनाफा 27 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, 592 करोड़ से आय बढ़कर 688 करोड़ आई है, अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ आपको यहाँ पर आती हुई दिखी है। मुनाफा 27 करोड़ से बढ़कर 44.5 करोड़ आया है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ वहाँ पर आपको आती हुई दिखी है। तो दोनों फैक्टर्स रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़िया रहे। बंसल जी एक बार चार्ट्स पुल अप कर लीजिए, 8% ऊपर ग्लोबल स्पिरिट्स दिख रहा है और नंबर्स के बाद ही ये पूरा स्पाइक आया है, लगभग 100 करोड़ की रेवेन्यू ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर मुनाफे में आपको आती हुई दिख रही है, करीब 18-20 करोड़ की प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखी है। ऑपरेशनल नंबर्स भी देखते हैं इनके कैसे आए हैं, बट अच्छे नंबर्स फर्स्ट कट पर दिख रहे हैं ग्लोबल स्पिरिट्स के, जरा बताएं सर चार्ट। दीपांशु चार्ट भी एकदम बढ़िया है, स्टॉक के मल्टीपल सपोर्ट से 800 रुपए के अराउंड वहीं से स्टॉक ने रिबाउंड लिया है और आज ही एक अपमूव देखने को मिला है। तो दीपांशु जिनके पास है होल्ड करें इन स्तरों पर, और डिप में अगर 840 के स्तर मिले तो खरीदना चाहिए, और टेक्निकली टारगेट निकल रहे हैं 938-945 का जोन, तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन ग्लोबल स्पिरिट। ओके, तो ओवरवेट खरीदारी की राय है ग्लोबल स्पिरिट, यहाँ पर रखिए नजर, बढ़िया एक्शन इस पर आपको आते हुए दिख भी रहा है, स्टॉक पर एक जबरदस्त स्पाइक है इस समय। तो अल जी
कुछ कैश स्टॉक्स नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, रिएक्शन भी बढ़िया दिख रहा है सर। बिल्कुल, नंबर्स बढ़िया हैं, दमदार है, फर्स्ट क्लास। ग्लोबल स्प्रिट के भी नंबर्स बढ़िया है और कैश स्टॉक्स में अच्छी पकड़ रखने वाले सदाबहार सेठी साहब हमारे साथ हैं, तैयार फोन लाइन पर, आइए बिगुल के साथ उनका स्वागत। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है वो आज पहली बार ही दे रहा हूँ, स्टॉक का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसमें खरीदारी करनी है। 1114 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1180 के, स्टॉप लॉस रखना है 1095, 1095 रुपए का। एक टाटा ग्रुप की बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है जो कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सोल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है और बाकी इसके मेजर कस्टमर 40% रेवेन्यू टाटा मोटर्स और JLR से आता है, वो एक अच्छी बात भी है बिकॉज बिजनेस इनका सिक्योर्ड है, उस मामले में 40% आता है। और टाटा मोटर्स JLR में जिस तरह की हम ग्रोथ देख रहे हैं, जिस तरह से उनके नंबर्स आए हैं या जो परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी टाटा टेक्नोलॉजीज होगी। और इसके अलावा इनके पास 50 से ज़्यादा और ऑटो OEMs हैं जिनको ये कैटर करती है, क्लाइंट लिस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। अपार्ट फ्रॉम टाटा मोटर्स एंड JLR, एयरबस है, फिर होंडा, फोर्ड और मिनी कूपर, ये सब को ये कैटर करती है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। टाटा ग्रुप की कंपनियां तो वैसे फंडामेंटल्स भी मजबूत है, तो खरीदारी करने की सलाह टाटा टेक्नोलॉजीज में फॉर अ टारगेट ऑफ 1180, स्टॉप लॉस ऑफ 1095 स्टॉप लॉस 1180 के टारगेट के लिए खरीदें टाटा टेक्नोलॉजी। और सेठी साहब, मुझे लगता है कि IPO के बाद पहली बार इस स्टॉक को रिकमेंड करने का जो एक क्या कहना चाहिए, अवार्ड तो नहीं कहूँगा, एक मतलब तमगा मेडल लगेगा, वो आपके इस पे लगेगा। मेरे ख्याल से आज तक लिस्टिंग के बाद किसी की हिम्मत हुई नहीं रिकमेंड करने की इस स्टॉक को, लोगों को लगा कि लिस्टिंग बहुत तगड़ी हो गई, भाग गया स्टॉक, अब कहाँ कैसे तब नीचे आएगा तब रिकमेंड करेंगे, लेकिन शायद कभी आया नहीं। तो सेठी साहब ने पहली बार लिस्टिंग के बाद टाटा टेक्नोलॉजी रिकमेंड किया है 1180, ये है आपके लिए टारगेट स्टॉक, तेजी से बढ़ता उस तरफ 1140 का लेवल आपके सामने। बताएं सर दूसरा स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, और ये स्टॉक वैसे देखें तो ऊपर से करेक्ट भी हुआ ना, 1400 के आसपास तक चला गया था लिस्टिंग के बाद, और वहां से इन लेवल्स पे आके अब ये कंसोलिडेट करके बिल्कुल चलने को तैयार है, तो खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे और मुझे लगता है जल्दी ये टारगेट्स आने चाहिए। और अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक इंफ्रा स्टॉक है, इंफ्रा सेक्टर पे मैं बुलिश रहा हूं और आज मैंने पिक किया है दिलीप बिल्डकॉन को, इसके नतीजे आने वाले हैं सोमवार को। और हाल ही में मैंने ITD सीमेंटेशन को भी इस सेगमेंट से रिकमेंड किया था, उसके नतीजे आए कल नतीजे तोड़फोड़ थे, और आज इस खराब बाजार में मतलब निफ्टी कुछ भी हो बट मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी गिरावट आज चल रही है, उस माहौल में भी ITD सीमेंटेशन 4-5% ऊपर था। तो इस दिलीप बिल्डकॉन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह, 400 के लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है, 430 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 390 का स्टॉप लॉस रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की एक दिग्गज कंपनी जो रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह करती है, एक जबरदस्त 24,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है और कंपनी ने 20,000 किलोमीटर से ज्यादा के रोड प्रोजेक्ट्स किए हैं और काफी परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। सितंबर तिमाही देखेंगे तो 73 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 13 करोड़ का पैट था। फिर हाल ही में इन्होंने जनवरी के महीने में अनाउंसमेंट आया था कि इनको REC से एक MOU साइन किया है 16,000 करोड़ के कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और FISDAs भी अच्छे खासे बुलिश लगते हैं, अराउंड 11.9% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC जैसा जो एक प्रेस्टिजियस फंड है वो अकेला ही 6% से ज्यादा हिस्सेदारी इस स्टॉक में रखता है। तो मुझे लगता है मंडे को इसके नतीजे अच्छे रहने चाहिए, तो खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल्स पे फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 430, स्टॉप लॉस ऑफ 390। दो कैश कॉल्स आपके लिए जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सिरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। ये है आपके लिए टाटा टेक और दिलीप बिल्डकॉन पर खरीदारी की राय आती हुई। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, मुझे फर्स्ट टाइम अभी निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखती है, 21,830 का निफ्टी है, मुझे लगता है अगर ये 21,900 के पार सस्टेन होगा तो सुबह का जो बेरिशनेस था वो निकल जाएगा, मतलब वो बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम बनेगा।
और मुझे बैंक्स में स्ट्रेंथ दिखती है और सीमेंट स्पेस में स्ट्रेंथ दिखती है। अभी जो मैंने स्टॉक चूज किया है वो है ACC, 2620-25 के आसपास का भाव है। यहाँ पर एक सिर्फ 2600 के नीचे का हल्का सा स्टॉप लॉस, 2595 का स्टॉप लॉस लेके आप लेंगे तो एक 25-27 रुपए का डाउनसाइड है। मिनिमम टारगेट 2700 का है जो मुझे लगता है आज और मंडे में आना चाहिए। दूसरा टारगेट 2750-2770, एक 100 से 120 रुपए 125 रुपए की मूव मुझे दिख रही है, जिसके लिए आपको एक 25-27 रुपए का रिस्क लेना है। थोड़ा मोमेंटम में भी दिख रहा है ACC और इसमें अब आपको फ्रेश खरीदारी की राय आ रही है। वागले साहब की तरफ से यहाँ पर रखिए नजर, सांकी इंडस्ट्रीज में करीब 8% हिस्सेदारी खरीद का भी प्रोसेस पूरा हो चुका है, वो भी आपके लिए एक अपडेट आया था आज सुबह। आइए मेहुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। बिगुल BTS स्टेबिलिटी, गुड आफ्टरनून मेहुल जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए पहले तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले महीने लास्ट वीक ऑफ जनवरी में बैंक निफ्टी यहीं कहीं था और 44,400 के आसपास से घूमा था, जो कि उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज था। अब फिर से उसके पास अगर घूम रहा है तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जब तक 44,400 स्पॉट में नहीं टूटता, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग स्पेस में। जिस हिसाब से PSU बैंक चले हैं, मुझे लगता है अब प्राइवेट बैंक्स चलने की बारी है, तो कुछ कुछ प्राइवेट स्टॉक्स प्राइवेट बैंक स्टॉक्स जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर पहला जो है वो कोटक बैंक है, तो उसको उसमें मैं बाय देना चाहूंगा। कोटक बैंक 1730 के पास चल रहा है, 1680 का उसका 2023 साल का लो है, तो 1680 के स्टॉप लॉस से खरीदिए इसको। 1830 का टारगेट है, कैश में खरीदेगा, थोड़ा सा लंबी अवधि का कॉल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले तीन से चार साल में 1650-1620 का जो रेंज है ये काउंटर ने तोड़ा नहीं है और बार बार वहीं से बाउंस है। ऑफकोर्स आउट परफॉर्म नहीं किया है, बट वो रेंज को इसने तोड़ा भी नहीं, तो डाउनसाइड काफी लिमिटेड है कोटक बैंक में यहाँ से। ऑफकोर्स वो अगर डाउनसाइड ब्रेक होता है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन कहलाएगा, बट इसी उम्मीद के साथ ये नहीं ब्रेक होगा। 1680 के स्टॉप लॉस से कोटक में खरीदारी कीजिए, 1830 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो 1830 के टारगेट के लिए कोटक बैंक पर करें खरीदारी। लंबे समय बाद कोटक बैंक पर आप मोमेंटम के कुछ इंडिकेटर्स देख रहे हैं, देखते हैं ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं। बट बैंक निफ्टी आपका 600 पॉइंट ऊपर हो गया है, सारे बैंक स्टॉक्स पर ही फोकस करिए, वहीं पर आपको बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। 600 पॉइंट ऑलमोस्ट की मूव अब आपको बैंक निफ्टी दिख रही है, 45,600 के करीब इस समय निफ्टी बैंक आ रहा है, तो सही समय है अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी लेने का भी। अनिल जी, बैंक निफ्टी बड़ी दौड़ लगाते हुए दिख रहा है, 600 पॉइंट का उछाल आया है। कल जो ग्राउंड लूज किया था वो ऑलमोस्ट, पूरी तरह तो नहीं बट ऑलमोस्ट रिकवर करने की तैयारी में इस समय बैंक निफ्टी दिख रहा है। अमेरिकी फ्यूचर से कोई परेशानी वाले संकेत नहीं है, नैसडेक फ्यूचर्स 30 अंक ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, 4 दिनों से यहां पर रिकॉर्ड हमें लगते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में हल्का फुल्का कारोबार हो रहा है, कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है, ज्यादातर एशिया आज बंद था, जापान खुला था वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद होते हुए दिखा है। बताएं सर क्या करना है इस समय। तो दीप फिर शुरुआत बैंक निफ्टी से पहले करते हैं। 45,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 30,00,000 शेयरों का सपोर्ट का काम करेगा। अब तो खैर आप काफ़ी ऊपर आ गए, वहाँ से 45,500 के भी पार निकल गए हैं। ऊपर में जो हल्की फुल्की रुकावट की जगह है वो 46,000, तो बेसिकली बैंक निफ्टी को 45,000-46,000 की रेंज को ट्रेड करना है। 45,000 के नीचे 150 पॉइंट और 46,000 के ऊपर 150 पॉइंट, ये आपने देखा कि वहाँ पर आते ही आपको बिकवाली होती है। इस बीच में आपके वो कहना चाहिए कि मिडफील्ड है, गोल नहीं होता, आराम से खेलते रहिए। अब चूंकि 45,600 के पार निकला है, ये थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब यहाँ से और ऊपर जाएगा तो ये कंजेशन जोन में पहुँचेगा और वो होगा 45,800 से 45,900 और उसके बाद 975। इस लेवल पर आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है आज, 45,800-900-975। ये अब यहाँ से ऊपर जितना जा रहा है दीप, अब ये थोड़ा से ऊपर वाले वो उस जोन में जा रहा है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। जनवरी महीने के जो हमारे लोज थे क्लोजिंग बेसिस पे 45,865 के, उस 44,865 के वहाँ से बैंक निफ्टी घुमा है, तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही पॉइंट से घुमा है। नीचे से जो 800 पॉइंट की रिकवरी आपको दिख रही है करीबन करीबन 700-800 पॉइंट की, यहाँ पर अब आपको ऊपर के लेवल पे 45,800 से 45,000-46,000 की रेंज में 100% अगर आज आपने सुबह नीचे में खरीदा है वहाँ प्रॉफिट बुक करिए, इंतजार कीजिए। देखिए सुबह लेने की हिम्मत नहीं हुई होगी,
अब प्रॉफिट बुक करने की या बेचने की हिम्मत नहीं होगी। 46,000 के आसपास आए, एक बार की शॉर्ट भी कर सके। अब आप सरप्राइज करोगे कि आज बैंक निफ्टी बढ़ा क्यों, ऐसा क्या हुआ बैंक निफ्टी में जो बढ़ गया? और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो बहुत सही आ रहा है, आना भी चाहिए। क्यों? दो चीज़ें समझिए। पहली चीज़ तो ये कि बैंक निफ्टी अपने जनवरी महीने के लोस के आसपास पहुंचा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आपको याद होगा मैं कम ऐसी आपको कमेंट्री देता हूं सुबह, जहां पर मैंने आज आपको दिया था कि 44,850 सपोर्ट, मैंने रेंज नहीं दी, उसके ठीक नीचे 44,425-44,500 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, तो एक ही लेवल था और उसी लेवल को आज बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट करके वहां पर है। तो पहली चीज, बैंक निफ्टी ने अपना सही लेवल पर आकर करेक्शन पूरा किया, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, बैंक निफ्टी के लिए जितने रिजल्ट से लेकर खराब खबरें आनी थी शायद वो आ गई, रिजल्ट सारी आ गई, पॉलिसी भी आ गई, तो अब बैंक निफ्टी के लिए शायद खराब आने के लिए और कुछ बचा नहीं है। पता नहीं आ जाए तो यू नेवर नो, बट नोइंगली पता जो जान अब हमारे ध्यान में उसमें कुछ खराब बचा नहीं। तीसरी चीज, पुट कॉल रेशियो पर 0.67 हल्के थे बैंक निफ्टी पर हम कल, तो वो एक फायदा हुआ। और चौथी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो बैंक निफ्टी से रिलेटेड नहीं लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी बढ़ा है, वो ये कि इस मार्केट में 100% चीज जो आपको देखने को मिलेगी, जो आशु सर भी इस बात से सहमत होंगे, मैं उनसे भी राय लूंगा, ये इंडेक्स मैनेजमेंट परफेक्ट चल रहा है, सेक्टोरल टर्निंग परफेक्ट चल रही है, कोई सेक्टर घटेगा तो कोई साथ में आ जाएगा। आज सुबह आपने एक चीज नोटिस की, सब कुछ खराब हो रहा है लेकिन तीन स्टॉक ICICI बैंक, TCS, रिलायंस, तीनों खड़े हैं मजबूती से, मतलब हम निफ्टी को गिरने नहीं देंगे। निफ्टी के पांच में से तीन दिग्गज एकदम मजबूती से खड़े हो जाए तो घटेगा किससे? ये आज का मार्केट इंडेक्स मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जांपल है। तो अगर बैंक निफ्टी जैसा एक सेक्टर जिसका इंडेक्स में वजन है अच्छा, वो खराब होता है, सॉरी सरकारी बैंकों का एक ऐसा सेक्टर, सरकारी कंपनियों का जिसमें NTPC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड आपके ये सारे आ गए, ये अगर आज सारे खराब, BPCL सब खराब होने, तो आपके सामने जो सबसे कमजोर सेक्टर था वो सबसे मजबूत हो गया, सबसे मजबूत सेक्टर सबसे कमजोर आज, सबसे कमजोर सेक्टर सबसे मजबूत। तो ये है परफेक्ट इंडेक्स मैनेजमेंट। इस इंडेक्स मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, जितना डर आपको नीचे के लेवल पर लग रहा था उतना ही डर आपको ऊपर के लेवल पर भी लगना चाहिए। जैसे जैसे आप 46,000 के पार पास पहुंचेंगे वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करने का सोचना है, न कि खरीदने का। तो कल भी हमने आपको अलर्ट किया था पॉलिसी के बाद कि देखिए पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है, मार्केट नीचे आया भी, नीचे आकर आपको एक अच्छा मौका दिया भी। आज भी हम यही कहेंगे ऊपर में आए वहां प्रॉफिट बुक करिए। ऊपर में लेवल क्या है? 46,700, 825, 900, 975, इनमें से जो लेवल ठीक लगे वहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। इट इज एज सिंपल एज दैट, पहली चीज। अब आइए निफ्टी एक में जरा निफ्टी खोल दूँ, कहाँ गायब हो गया। हाँ, निफ्टी अपना चल रहा है इस वक्त 800 के थोड़ा सा करीब, ठीक है। अब दीप देखिए, आज का ही 788, आज दो या तीन बार 650 के आसपास निफ्टी ने खरीदने का मौका दिया। हम क्या करेंगे, 800 से 850 की रेंज में अगर निफ्टी आ जाएगा वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, 800-850 वहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर कल की कल देखी जाएगी। तीन दिन से अमेरिका मजबूत है, हाई बना रहा है, थोड़ा हो सकता है रुके ठहरे, तो ओवरनाइट पोजीशन रखने जैसा मार्केट ऐसा है। देखिए ये वोलेटाइल मार्केट है, जितना जोर से घटता है उतना जोर से बढ़ता है, वो ठीक नहीं, दोनों ही चीज़ ठीक नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखिए सुबह हालत कैसी है, और अब इंडेक्स आधे से ज़्यादा रिकवर हो चुका है। सो आपको बिल्कुल उतार चढ़ाव से हटकर ये सोचना है कि नीचे के लेवल पे खरीदना और ऊपर के लेवल पे बेचना, ये दोनों चीज़ करनी जरूरी है, न कि ऊपर के लेवल पे खरीदें और नीचे के लेवल पर बेच के चले जाएं। सो ये ऊपर आ रहा है, आखिरी आधे पौन घंटे में अगर और ऊपर आएगा 21,850 के आसपास निफ्टी पे प्रॉफिट बुक कीजिए, 45,800-46,000 की रेंज में आता है बैंक निफ्टी पे प्रॉफिट बुक कीजिए और बाद में इंतज़ार कीजिए। जी दीप, गॉट इट सर। चलिए ये है आपके लिए पूरा बाजार के एक्शन पर राय, बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों पर आ रहा है, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है यहाँ पर। आशु जी को कुछ पूछने वाला था, दीप मैं आशु जी को पूछने वाला था, आशु जी जरा इंडेक्स मैनेजमेंट पे अपनी एक्सपर्टाइज राय जरा बताएं सर। नहीं अनिल जी, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना, और अनिल जी बहुत दिनों बाद, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों में हमने कई बार देखा कि कई सालों बाद स्टॉक्स दिखा के इंडेक्स को डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, और आज अनिल जी वापस वो रिवर्स ट्रैक पे आया है। तो अनिल जी इसीलिए मैं ये बोल रहा था, जो आज हमने क्लाइंट से भी शेयर किया, मैंने ट्विटर पे भी सुबह मैसेज डाला कि आई थिंक ये जो क्रेडिबल प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है ना अनिल जी, उसको ना एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। अनिल जी मुझे नहीं पता कि वो प्रॉफिट सही बुक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनिल जी अगर सही बुक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मजा आ जाएगा, अगर
नहीं भी सही होगा तो अनिल जी फिर ले लेंगे। देखिए अनिल जी, एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब तेजी हो रही होती है कि इससे तेज कहां जाएगा, लिया नहीं जाता तो आदमी चढ़ चढ़ के लेता है। और एक होता है अनिल जी रोमो, रिग्रेट ऑफ मिसिंग आउट। अनिल जी जब बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रहा हो, बहुत इजी आ रहा हो, बहुत शॉर्ट में आ रहा हो, उसके बाद भी बेचे और उसके बाद और रिग्रेट ऊपर या और बढ़ता जा रहा है, बेचना ही नहीं चाहिए और लेना चाहिए, अनिल जी वो रिग्रेट ना कुछ टाइम तक चलता है, लेकिन वो कभी कभी जब बचाता है तो बहुत बड़ा बचाता है। तो मुझे लगता है अगर अभी कोई प्रॉफिट बुक कर लेगा तो क्या यही एक रिग्रेट होगा ना कि नहीं यार 100 के 200 हो गए, 225 हो सकते थे। लेकिन अनिल जी वो 200 वाला अगर 150 आ गया ना तो बहुत दुख होगा, फिर आप 150 पे बेचोगे, फिर आप 200 पे लोगे। तो अनिल जी मुझे देखना है कि ये करेक्शन जो स्टॉक्स में आई है कितनी चलती है, बट दैट इज एग्जैक्टली प्रिसाइजली द रीजन इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है कि कोई मारामारी नहीं है, जो आपने बिल्कुल ढंग से आइडेंटिफाई किया कि इंडेक्स बिल्कुल ठीक दिखता है और बैक्ड बाय अनिल जी वो कुछ स्टॉक्स ही होंगे, और उसमें अगर बैंक निफ्टी से भी ज्यादा अच्छा मुझे तो अनिल जी SBI लगता है, जो मैंने अभी भी बताया कि उसको स्प्रेड बढ़ाते जाओ और उसका मतलब आगे शिफ्ट करते जाओ और स्टॉक्स डिलीवरी के लिए रखो। तो अनिल जी एक दो स्टॉक BPCL भी ठीक लग रहा है, बट अनिल जी जो बाकी ब्रॉड स्टॉक्स है ना अनिल, जैसे सेल नालको अनिल जी इतने फेवरेट है, अनिल जी चुटकियों में 10-10 रुपए घटाए हैं, तो अनिल जी ये सिग्नल होता है। अब 10 के वो 25 होंगे या नहीं पता, पर अनिल जी मुझे अगर 40 रुपए आ रहे हैं, 50 की जगह 40 आए, तो प्रूडेंस ये कहती है कि हमें बुक कर लेना चाहिए फॉर ट्रेडिंग। ओके, तो आज आशु जी ने पहली बार कहा एक और शब्द जो अच्छा मैंने पहली बार सुना भाई, देखो रोमो, रोमो किसने सुना हुआ था पहले, रिग्रेट ऑफ मिसिंग आउट रोमो, मतलब मैंने फोमो पहले सुना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अच्छा मैंने गोमो भी सुना था, बंसल जी से नहीं पूछूंगा, फिर बंसल जी के मेरी अंग्रेजी का आप बार बार इम्तिहान लेते हैं, जाने दीजिए। गोमो, गोमो किसने सुना था, ग्रीड ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, तीसरा था अभी रोमो, रिग्रेट ऑफ मिसिंग आउट, ये शब्द पहली पहली बार सुनने में आया। जी सुदीप जी कुछ कह रहे हैं, जी सुदीप जी, ये ऐसे ऐसे अनिल जी ऐसे तो बहुत सारे शब्द अब धीरे धीरे सुनने में आएंगे, थोड़ा मार्केट करेक्ट होना चालू होगा तो बहुत सारे ऐसे शब्द सुनने में आएंगे, तो ये मैंने भी आज पहली बार सुना आशु जी से, यार बहुत बढ़िया लगा सुन के। हाँ ये सब अभी सुमित जी बोले कि हाथ खड़ा कर रहे हैं, देखो सुमित जी बोले कि ये सब छोड़ो, असली शब्द तो मोमोजी है, काम तो वही आता है। जी सुमित जी। जी अनिल जी, मैं बोलने वाला था कि एक तो मोमो है, मोमो से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये सारे फोमो, गोमो, रोमो, और अनिल जी जो लोग रोमिंग ज्यादा करते हैं ना उनके दिमाग में ऐसे वर्ड्स आते हैं रोमो, मूड ऑफ मिसिंग आउट मोमो। जी मेहुल जी। अनिल जी एक कुछ दिन पहले मैंने एक और वर्ड सुना था, दैट इज जोमो, JOMO, वो कब होता है जब हम कुछ चाहते कि हम, काश मैंने ये स्टॉक ले लिया होता बट मुझे मिला नहीं, समझो IPO में कोई स्टॉक हमको मिला नहीं और वो 10-20% नीचे खुला, तो वो बोलते हैं उसको जोमो बोलते हैं, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो किसी ने मुझे ये कहा था कि जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट भी होता है। अच्छा, जोमो, अरे वाह, जोमो, जॉय ऑफ, अच्छा कुछ मिस आउट करने में जॉय है, वाह मेहुल जी आप तो छुपे रुस्तम निकले एकदम, इतनी मतलब थोड़े टाइम में अगर ऐसे ही लग रहा है तो सुमित जी की कविता सुमित जी से बढ़िया कर लेंगे आप एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, आज तो काफी इंग्लिश सीख ली यहाँ पर, मतलब कि ना काफी ज्ञानवर्धक हो गया, दो लाइनें तो अनिल जी ऐड कर सकता हूँ, मार्केट इज फुल ऑफ रिग्रेट्स अनिल जी, यू बाय यू रिग्रेट, यू सेल यू रिग्रेट, यू बुक लॉस देन आल्सो यू रिग्रेट, यू बुक प्रॉफिट देन आल्सो यू रिग्रेट अनिल जी, तो इंग्लिश का अनिल जी आज ज्ञानवर्धक हो रहा है, अभी तो मेहुल जी ने भी अच्छी चीज ऐड कर दी अनिल जी। ओके, एक साथ बंसल जी ने पूरे हफ्ते की इंग्लिश बोल दी, और बंसल जी मैंने आपको सुबह बोला भी था याद दिलाना, आज तो फ्राइडे है, मैंने क्या हैप्पी फ्राइडे भी बोला था आपको, याद है जी अनिल जी, आपने बोला था 3 बजे याद कराना अनिल जी, तो अभी 3 नहीं बजे अनिल जी, अब याद करा दिया है तो अब बता दीजिए। अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक है, तो ये है आपके लिए इंडेक्स मैनेजमेंट पे हमारा डिस्कशन, जो आपने सुना कि किस तरह से एक सेक्टर जो बेहद कमजोर है वो अब ऊपर आ रहा है, जो बेहद मजबूत था वो सबसे नीचे आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही है। अब सवाल मेरा शरद जी से है, शरद जी क्या लगता है कि अपने को अब जिस तरह से करेक्शन हो रहा है सरकारी कंपनियों में, ऑल टाइम फेवरेट है, खरीदने का मौका आ रहा है, यदि खरीदना है तो कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स को रडार पर रखना है? मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी का तो नहीं है, खास करके रेलवेज वगैरह में जिस टाइप से मूवमेंट हुई है,
लगभग आप 3 से 4 साल डिस्काउंट कर रहे हैं, तो वहाँ मुझे लगता है थोड़ा और टाइम लगेगा। पीएफसी आरईसी अभी भी मुझे लगता है जिस टाइप की ट्रैक्शन है, अगर आप सालाना 15% 16% एनुअलाइज रिटर्न से खुश हैं, तो ये भाव से भी आपको सालाना 15 से 16% अगले 5 से 6 साल तक आसानी से मिल जाना चाहिए, जो नंबर्स मैंने मोटा मोटी प्लॉट किए हैं उसमें। तो पीएफसी आरईसी अगर आप 15-16% रिटर्न से खुश हैं तो ठीक है। डिफेंस एक स्पेस होगी जहां मुझे लगता है जो स्टॉक्स में ज़्यादा करेक्शन आए वहां आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बीएमएल में डिसेंट करेक्शन आई है रिजल्ट के डिसअपॉइंटमेंट के बाद। डिफेंस के और स्टॉक्स में भी ऐसा लीनियर मूवमेंट रिजल्ट्स में होना नहीं चाहिए जितना बाजार एंटिसिपेट कर रहा है। तो अगर वहाँ कहीं पे भी आपको वैसी कोई डिप मिले, जैसे बीच में शायद भारत डायनामिक्स में हम लोग को 900,000 रुपये के भाव मिल रहे थे, तो इस टाइप की कोई भी डिप अगर आपको डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में मिले तो वहाँ आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए डिप को बाई करने के लिए। करंट सिचुएशन में अगर मुझे चूज करना हो तो मुझे लगता है REC, PFC और BML ये 3 स्टॉक्स मुझे लगता है बढ़िया है। रेलवे स्टॉक्स और कुछ एनर्जी वाले स्टॉक्स जो है वहाँ मुझे लगता है थोड़ा फ्रॉथ बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मलाइज होने में। ओके परफेक्ट, तो ये है आपके लिए सारे सरकारी बैंकों पर राय, सरकारी कंपनियों पर राय आती हुई शरद जी की तरफ से। आइए सुमित जी के लिए है बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी भी आपने फ्राइडे का नाम लिया, फ्राइडे की बात करी तो एक स्टॉक मेरे रडार पे आ गया जिसका अभी भाव चल रहा है 1105 रुपए 1106 रुपए, 1105-1106 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मैकडोवेल। मैकडोवेल के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है, स्टॉक पिछले 5-6 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और वीकेंड मूड में ही लगता है स्टॉक आ चुका है। स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 1090-1095 ये स्टॉक का इमीडिएट नीचे में सपोर्ट है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से 1090 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 1125 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1135 रुपए का। तो ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करें मैकडोवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में करें खरीदारी, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहां से और ऊपर जाने की पूरी तैयारी इसमें दिख रही है, इस पर रखते हैं नजर। आइए नजर डालते हैं ONGC, कल आएंगे इसके नंबर। स्टॉक में हमने रिसेंटली एक्शन भी अच्छा देखा था, PSUs आज थोड़े सुस्त हैं, ONGC कुछ ज्यादा खास कर नहीं रहा है इस समय ट्रेड में, 2-2.5% की गिरावट है। बट कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए नंबर्स कैसे रह सकते हैं, कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए नंबर्स के लिहाज से ऑफकोर्स टॉप लाइन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़िया रह सकती है, 4.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 36,730 करोड़ पर कंपनी अपना टॉप लाइन रिपोर्ट कर सकती है। जहां तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, 3% की ग्रोथ यहां पर भी एक्सपेक्टेड है और लगभग 18,950 करोड़ पर यह भी कंपनी ऑपरेशनली परफॉर्म कर सकती है। मार्जिन्स के लिहाज से 52.2% पिछले तिमाही में थी, इस बार ये एक्सपेक्टेशंस बन रही है कि 51.6% के मार्जिन्स आ सकते हैं। तेल एंड गैस की बिक्री में 1% की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है और ऑयल रियलाइजेशंस में 3% की गिरावट का अनुमान है और इसी वजह से ही मार्जिन्स पर आपको हल्का सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दबाव आता हुआ दिख सकता है। मुनाफे के लिहाज से 1% गिरकर यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का ही एक्सपेक्टेशन है, 10,151 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा भी रिपोर्ट कर सकती है। और केजी बेसिन से तेल गैस उत्पादन में तेजी पर किस तरह से कंपनी कॉमेंट करती है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और स्टॉक में तो रिसेंटली काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन रहा है, बाकी PSUs की तरह इस पर भी हमने बढ़िया मूव देखे। शरद जी कोई राय रखते हैं सर ONGC पर? ट्रेडिशनली देखिए PSUs में अक्रॉस द बोर्ड इसमें भी वही केस है कि मुझे लगता है जो हिस्टोरिकल नंबर्स थे लगभग कंपनी उसके आसपास तो आ गई है। मुझे याद है कुछ समय पहले तक 120-130 रुपए में हम लोग बात कर रहे थे कि ये स्टॉक अभी भी 3-4 के मल्टीपल पे है, तो अब वो रैली आके लगभग अगर कंसिस्टेंटली कंपनी 40 रुपए के आसपास रिपोर्ट करती है तो मुझे लगता है 7-8 टाइम के आसपास हम आ गए। तो अगर 7-8 टाइम हम मान के चलते हैं तो 7×280, हाँ तो 7-8 टाइम पे हम लगभग आ गए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर अनलेस और अनटिल आप री रेटिंग की उम्मीद कर रहे हैं PSUs में, खास करके ऑयल एंड गैस कंपनीज में, तो मुझे लगता है डिविडेंड डील्ड अभी भी रोबस्ट है। आप कितना 4% जैसी डिविडेंड डील्ड की बात कर रहे हैं और 39-40 रुपए के आसपास रहनी चाहिए। नए फील्ड्स में से जो एडिशनल आउटपुट की वो बात कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा होता है, जितना मैंने लास्ट पढ़ा था 10-1% का इंपैक्ट वहाँ से आना चाहिए, तो उससे अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक कोई कमेंट्री निकल के आती है तो मे भी यहाँ से आपको 10% और अपमूव देखने को मिले। अब बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी पूरा बाजार अगर बहुत ज़्यादा बुलिश रहता है तो हो सकता है ऑसिलेट करके 10-11 के मल्टीपल या 12 के मल्टीपल तक भी ट्रेड करने लगे,
तो फिर आपको यहाँ से और 30-40% अपसाइड की गुंजाइश हो जाती है। बट हिस्टोरिकली जो नंबर्स मिलते थे मेरे हिसाब से लगभग 8-9 टाइम पे आ गया है, तो यहाँ से इमिडिएटली मैं बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं देख रहा। बट आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से आपको और 30% जैसी अपसाइड मिल सकती है। चलिए ONGC पर रखेंगे नज़र और आज इसके नंबर्स आने वाले हैं, देखते हैं नंबर्स के बाद अगर स्टॉक में आपको थोड़ा और एक्शन बनते हुए दिखता है कि नहीं। बट रिसेंटली काफ़ी बड़ा एक्शन ONGC हमें दिखा चुका है, आज देखते हैं अब नंबर्स इसके कैसे रहेंगे। कुछ और स्टॉक्स जो यहाँ पर आपको मूव करने की मूव दिखा रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स 3% ऊपर हो गया इस समय, ये काउंटर पर अच्छा एक्शन बन रहा है। सुबह भी थोड़ा एक्टिव दिख रहा था बट अभी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। बागले साहब, अपोलो हॉस्पिटल्स ज़रा देखें, बढ़िया मूव आ रही है सुबह के बाद, अब फिर से एक्शन में आ रहा है सर। दीपांशु, क्लियर कट ब्रेकआउट है, मेरे हिसाब से BTST के लिए लेके जाना चाहिए, 6,440-50 के आसपास का है, हल्का सा नीचे आ सकता है 30-40 रुपए ऐड करना चाहिए। पोजिशनल लिम मुझे 6,600 तक की मुँह दिखती है, मंडे ट्यूजडे में भी एक दो या तीन दिन, लेकिन 6,600 टच करेगा ये, और डाउन साइड में 6,340 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स, देखते हैं यहाँ पर कैसा एक्शन आते दिखेगा। अपोलो पाइप्स के लिए भी कुछ खबर आती हुई दिख रही हैं, कुछ नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए 13 तारीख को बोर्ड बैठक है, आई थिंक 125 करोड़ रुपए के निवेश पर विचार करने वाला है, किसान मोल्डिंग्स में ये निवेश करने वाले हैं, उस पर ये विचार करेंगे। 13% ऊपर ये स्टॉक है इस समय, बड़ा एक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है अपोलो पाइप्स, जरा इस पर नजर रखिए। थ्रू द डे स्टॉक पर रिडार पर नहीं आया, बट मेहुल जी एक बार जरा चार्ट देखेंगे, अपोलो पाइप्स बड़ी मूव इस पर आ रही है, कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की बात चल रही है, जरा देखें सर। जी हाँ दीपांशु, देखिए काउंटर में तो फ्रेश ब्रेकआउट आया, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ महीने पहले हमने भी ये SPL में रेकमेंड किया है, मेरा टारगेट 850 का था, आज 14% चलने के बाद भी ये काउंटर 800 के पास भी नहीं आ पा रहा है, तो इनफैक्ट अपसाइड थोड़ी और भी है इस काउंटर में, बने रहने की सलाह है, 850 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। फ्रेश बाइंग फिलहाल नहीं कर सकते बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट यस ऑफकोर्स जिसने पहले लिया है, क्योंकि काउंटर में ज्यादा फॉल नहीं है, पिछले कुछ महीनों में हम देखे तो कॉन्स्टेंटली इसने 700 के आसपास कंसोलिडेट किया है, डाउनसाइड आई नहीं है, पहली बार कुछ अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट देखने मिला इन महीनों में, तो यहाँ पर बने रहिए, 800 का टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 850 का रहेगा इसमें। तो चलिए ये है आपके लिए अपोलो पाइप्स, अच्छे एक्शन आ रहे हैं, और अब बात करते करते और ऊपर ये काउंटर आपको जाते हुए दिख रहा है, तो कुछ मूव्स बढ़िया इसमें फिलहाल बन रही हैं। बट मूव्स बनी है फार्मा स्पेस में, काफ़ी एक्साइटमेंट है फार्मा स्टॉक्स को लेकर भी बाजार में, कल दो फार्मा दिग्गजों के नंबर्स आएंगे, पहले ऑरो फार्मा की बात करते हैं, शरद जी से भी इस पर राय लेनी है, एक बार पहले नुपुर से जानते हैं यहाँ पर नंबर्स कैसे आने वाले हैं। नुपुर, फार्मा यूजली जितने भी नंबर्स आए ज़्यादातर अच्छे रहे हैं, ऑरो भी रिसेंटली अच्छा बाउंस बैक दिखा रहे हैं, अर्निंग्स कैसे रहेंगी? अच्छी है रहेंगे, क्वार्टर का जो नतीजे आएंगे वो, क्योंकि क्वार्टर टू के बाद ये क्लियर हो गया था कि आने वाले एक दो तिमाही के नतीजे काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले, और इस बार उम्मीद यही है कि जो नतीजे वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखेंगे। 16% से कंपनी की ग्रोथ इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई आपको नज़र आ सकते हैं, कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखे तो 64% की ग्रोथ हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, करीबन 1570 करोड़ के आसपास कामकाजी लेवल पर मुनाफा आते हुए दिख सकता है। मार्जिन्स भी देखे तो आपको इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे, 15% के मार्जिन्स कहते हैं कंपनी ने पिछली बार इसी समय पर, इस बार बढ़ के 21% के हो सकते हैं, और मुनाफा भी देखें तो आपको 85% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है, 900 करोड़ का मुनाफा यहाँ पे लेके चल रहे हैं। कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को अप्रूवल मिली थी जिसका जो इम्पैक्ट है वो इस क्वार्टर में आते हुए दिखेगा, दूसरी तिमाही के भी नंबर्स अच्छे आए थे, और उसके बाद से हमने एक रनअप देखा है, उससे हमने एक रनअप देखा है स्टॉक में, और इस बार और तभी क्लियर हो गया था कि आने वाली जो दो तीन तिमाही है वो अच्छी रहने वाली है कंपनी के लिए। अमेरिका से जो आय है उसमें भी 32% की ग्रोथ लेके चल रहे, यूरोप की आय में करीबन 13% की ग्रोथ आती हुई दिखेगी, रेवलमेंट के लॉन्च के बाद यहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, नज़र रखनी है। पेंजी के जो रैंप अप की बात चल रही है, जो प्रोडक्शन को लेके बातें चल रही है, उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उम्मीद तो यही है अरविंदो फार्मा के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं Q3 के। ओके, तो ये है आपके लिए ऑरोबिंदो फार्मा, अच्छे नंबर्स इसके रह सकते हैं। शरद जी, कोई राय सर, बाकी फार्मा में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, क्या ऑरो भी वो रेप्लिकेट कर सकता है? नंबर्स के हिसाब से तो ठीक ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, पिछले 4-5 क्वार्टर जो पिछले साल के जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हम देख रहे हैं, वहाँ एक लो बेस का इफेक्ट भी है जहाँ कंपनी काफ़ी प्रॉब्लम्स के थ्रू भी जा रही थी, बट सिक्वेंशली भी नंबर्स ठीक ही रहने चाहिए हमारे हिसाब से, और वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो मुझे लगता है 15-18% ग्रोथ कंपनी रेगुलरली क्रॉक इन कर लेगी, 25 के नंबर्स में ऑलरेडी हमने काफ़ी बड़ी री रेटिंग देख ली है, नीचे से कितना 7-8 रुपये शायद री रेट हो गया नंबर्स ऑलरेडी,
तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि FY26 में 70 के आसपास की अर्निंग आएगी, 70-72 के आसपास की। 20-22 का मल्टीपल तो आसानी से कंपनी को मिल सकता है, अनलेस अनटिल कोई USFDA का इशू नहीं आए और कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं आए वापस से। तो मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 1300-1400 रुपये तक के लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं स्टॉक में। से 40% की अपसाइड दिख रही है शरद जी को, जहां तक औरोबिंदो फार्मा का सवाल है। एक बार विश्वेश जी से जरा चार्ट पर राय भी ली जाए। विश्वेश जी देखें, 1000 के ऊपर है औरोबिंदो फार्मा, अच्छे मोमेंटम है इस समय, जरा राय दें सर इसके चार्ट पर एक बार। मेरे हिसाब से दीपांशु, जैसे शरद जी ने कहा, स्टॉक डेफिनेटली मूव किया है। अगर आप इसका 2023 का लो देखेंगे तो 400 के आसपास था और वहाँ से 1200 गया। इन अ वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली स्ट्रक्चर डैमेज है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखेंगे तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक करेक्टेड है और उन लेवल पर आ रहा है जहाँ पे अच्छा सपोर्ट हो सकता है। मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्ट सोर्स ही नहीं याद आ रहा, बट ऐसा माना जा रहा है कि 2025-26 तक शायद ओवरऑल आईटी प्लस फार्मा एक्सपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ अवर टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर देखेंगे फ्रॉम अ कंट्री लेवल, दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज, एंड हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है वो अब शायद और रिड्यूस हो जाए। तो बाय एंड लार्ज फार्मा इज लाइकली टू डू गुड इन अ मीडियम टर्म। टेक्निकली अगर मुझे पूछो तो मुझे लगता है कि इसका अगला सपोर्ट 960 की रेंज में है, विच वुड बी अ वेरी सेफर, बट अगर एक बार के लिए 1050 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी रिवर्स हो जाएगा। सो थोड़ा ट्रिकी है नेगेटिव शॉर्ट टर्म, लेकिन ओवरऑल मीडियम टर्म, तो अगर आप मीडियम टर्म के लिए देख रहे हो तो शायद एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से नीचे मिल सकता है। परफेक्ट। ये आप जो पढ़ने की बात कर रहे थे विश्वेश जी, क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, जो आपको याद नहीं आ रहा? मैं कोशिश करूँ अगर आपके लिए कुछ मदद कर पाऊँ, आपकी मेमोरी में थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, क्या पढ़ रहे थे ऐसा जो याद नहीं आ रहा? अनिल जी, एक FII का रिपोर्ट था, तो देवर हैविंग अ व्यू ऑन द फिस्कल डेफिसिट नंबर कि इंडिया का जो आईटी प्लस फार्मा का एक्सपोर्ट है, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ, अगर आप ओवरऑल फिस्कल का इंप्लीमेंट करोगे तो शायद हम फिस्कल पॉजिटिव हो जाए, दैट इज व्हाट देवर आर्ग्यूइंग, एंड आईटी एंड फार्मा इज गोइंग टू बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। तो अगर एनी कंपनी विच इज हैविंग अ गुड एक्सपोर्ट, मेरे हिसाब से दैट इज लाइकली टू डू गुड। अच्छा, एक सवाल है मेरा बंसल जी के लिए भी और सुमित जी के लिए भी, दोनों के लिए। आमतौर पर ऐसी समस्या कब होती है कि आप कुछ पढ़ते और भूल जाते कहाँ पढ़ा था? उन लोगों के साथ जो बहुत जरूरत से ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स दिन में 5-10-15 पढ़ते हैं कि भाई याद ही नहीं रहती कौन सी, या कभी महीने 2 महीने में एक आध बार पढ़ लेते हैं तो फिर बोले एक ही पढ़ी थी, तो महीने भर कभी कभार पढ़ते फिर भूल जाते हैं। ऐसे कौन सी सिचुएशन में आदमी भूलता है? आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। कुणाल जी, बंसल जी और सुमित जी को दोनों को, अच्छा और कोई देना चाहे तो दे सकते हैं जवाब। हाँ जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरे को विश्वेश जी का नहीं मालूम, अनिल जी मैं अपना बता सकता हूँ। अनिल जी देखिए, स्कूल के टाइम पर मैं वो चीज़ें पढ़ी हुई भूलता था जब जबरदस्ती पढ़ना पड़ता था, मतलब कि टीचर के दबाव में, एग्जाम के दबाव में। और अनिल जी गोइंग एट, मतलब कि बड़े होने के बाद, मतलब कि काम कर रहा हूँ, तब से वो चीज़ें भूलता हूँ जब पढ़ना पड़ता है वाइफ के दबाव में कि भैया देखो वो आदमी जो है अपने बेटे से साइंस की बात करता है, साइंटिस्ट वाली बातें करता है। अच्छा। आप कैसी बातें करते हो अनिल जी? तो इस दबाव में जब चीज़ें पढ़ता हूँ तब मैं भूल जाता हूँ अनिल जी कि क्या पढ़ा था, क्या है, तब मैं भूलता हूँ। आप विश्वेश जी का कारण तो अनिल जी दूसरा हो सकता है, मेरे कारण दूसरे अनिल जी। पढ़ने का दबाव अब तक बच्चों पर तो सुना था, बड़ों पर पहली बार ही सुना है। जी सुमित जी। अनिल जी देखो, कोई अगर बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो रटता रहता है, तो इसमें एक वर्ड भी भूल जाए तो पूरा दिमाग से गायब हो जाता है। तो बहुत ज्यादा पढ़ना भी हानिकारक है, और ईद के चांद की तरह कभी कभी पढ़ना भी हानिकारक है, कभी कभी पढ़ोगे तो भी नहीं याद रहेगा, तो बैलेंस होना चाहिए। जी विश्वेश जी, अब आप क्या क्या कह रहे हैं बताइए। अनिल जी, इसका ये भी मतलब हो सकता है जो शायद आपने नहीं कहा ऑप्शन में, कि सोर्स कॉन्फिडेंशियल हो और शायद आप कोट करना ना चाहते हो, क्योंकि समटाइम व्हाट हैपेंस, इंफॉर्मेशन एक्सेस, बिल्कुल, तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस मतलब पब्लिकली अवेलेबल नंबर है अनिल जी, अक्टूबर का, आप लास्ट ईयर का और उससे पहले आपने कहा ना कि मैं तो भूल गया, आपने बोला मैं भूल गया, इसलिए हाँ मैं वही सोचा, मैंने कहा इतना शार्प दिमाग वाले विश्वेश जी भूल कैसे, जब तक वो भूलना ना चाहे वो भूल नहीं सकते, तो इसका मतलब आप भूले नहीं, आप सिर्फ भूले हैं ये बता रहे हैं जी। ओके, तो ये है विश्वेश जी की तरफ से आपके लिए राय आती मार्केट पर। जी दीप,
सर, और कुछ नंबर्स भी मीनवाइल आ रहे हैं, इंडिगो पेंट्स के अभी नंबर्स आए थे, शालीमार पेंट्स के भी नंबर्स आ रहे हैं, वाटेक वॉबैक के नंबर्स आए थे, स्टॉक थोड़ा कमजोर रिएक्ट कर रहा है क्योंकि मार्जिन्स उसके थोड़े सुस्त रहे हैं, तो नंबर्स पर थोड़ा बाजार का एक्शन रख रहा है। बट हम अर्निंग्स की बात कर रहे थे, फार्मा अर्निंग्स में डिवीज लैब का भी इंतजार है, कल आएंगे इसके भी नतीजे, आइए एक बार नुपुर बताइए डिवीज में क्या है अनुमान। यहाँ पर भी उम्मीद तो ये है कि नतीजे काफ़ी अच्छे रहेंगे, कंपनी की आय देखें तो करीबन 17% की यहाँ पर ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो करीबन 38% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे, 560 करोड़ के आसपास कामकाजी लेवल पे मुनाफा आते हुए आपको नजर आ सकता है। मार्जिन्स के लिहाज से 24% के मार्जिन किए थे कंपनी ने, इस बार उम्मीद है कि 28% के मार्जिन आते हुए दिखेंगे, और मुनाफा भी देखें तो 33% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे, 410 करोड़ के आसपास का मुनाफा आते हुए आपको दिख सकता है। जो बेस है कंपनी का वो थोड़ा सा लो है, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ आती हुई आपको नजर आएगी, काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लेके आए और काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स पे भी कंपनी काम कर रही है, तो उनके रैंपअप की वजह से इस क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ आती हुई आपको नजर आएगी। ग्रॉस मार्जिन और एबिटा लेवल के मार्जिन दोनों में ही होने वाला है सुधार, प्राइसिंग जो है जेनेरिक एपीआई पोर्टफोलियो की उस पर रखनी होगी नज़र, क्योंकि इसके आउटलुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के, और कंपनी की जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसको लेकर जो भी कमेंट्री आएगी उस पर भी रहेगी नज़र। तो मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है और लो बेस की वजह से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है डिवीज से, अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है डिवीज से। आइए एक बार चार्ट पर भी राय ले ली जाए, सुदीप जी जरा डिवीज देखें बताएं क्या है इस पर व्यू आपका। जी दीपांशु, दीपांशु यदि हम डिवीज का चार्ट अगर देखें, मीडियम टर्म चार्ट भी देखें एक बार, तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं कि पिछले एक डेढ़ महीने में जब स्टॉक ने 4070 4075 के आसपास का जो हाई बनाया था, उसके बाद एक कंटिन्यूस हमने यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखा, और स्टॉक अभी भी अपने जो 10 और 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ जो नवंबर महीने के जो स्विंग हाइस थे ये अभी भी उसके नीचे, तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर है थोड़ा वीकनेस रह सकता है, और अब रिजल्ट्स भी नजदीक है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, तो मुझे लग रहा है 3600 का एक लेवल है जिसके करीब 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है 36-36-20 के बीच में, तो ये एक बहुत क्रूशियल नंबर रहेगा, तो 3600 के नीचे यदि ये स्टॉक फिसलता है तो सेलिंग प्रेशर 3400 और 3350 तक आ सकता है, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा ये चार्ट पे 3600 का, जहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है जिसके करीब, और ऑन द अपसाइड 3750-3760 जो कि पिछले दो दिन का जो एक स्विंग हाई है ये, तो वो क्रॉस होगा तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन की ये एक सिग्नल रहेगी, तो 3750 ऊपर और 3600 नीचे ये दोनों बहुत क्रूशियल पॉइंट्स रहेंगे ये स्टॉक के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए डिवीज लैब, देखते हैं स्टॉक कैसा ट्रेड करता है इस समय, आज एकदम फ्लैट है बट नंबर्स का इसके इंतजार रहेगा हमें। ऑलराइट, डिवीज पर रखें नजर, औरोबिंदो दोनों के नंबर्स आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग एक्शन ये काउंटर्स दिखा सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, इसमें आज एक ब्रेकडाउन आया है, एक बार सुमित जी से चार्ट पर राय लें। सुमित जी, वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, आज मेटल्स में भी कमजोरी दिख रही है, बट बड़ा कट आया हिंदुस्तान कॉपर पर, जरा देखें 7% की बड़ी गिरावट। दीपांशु, एक अच्छी खासी तेजी के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का साइन है, थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है, और जिसमें 260 रुपए तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं, वहां पे 255 के आसपास 260 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, वो लेवल जब तक टूटेंगे नहीं तब तक और गिरावट आएगा नहीं, और ऊपर में जैसे ही ये 280 का लेवल तोड़ा या 282 का लेवल तोड़ेगा तो वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर लेगा, तो फिलहाल समझ के चले कि एक रेंज में है 255-260, ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, और ऊपर में 280-285 के आसपास रेजिस्टेंस है, ऊपर का लेवल ब्रेक होने के बाद वापस से और तेजी देखने को मिलेगी। ओके, ये है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर, इस पर रखें नजर। इजी ट्रिप प्लानर्स, इज माय ट्रिप, इसके नंबर्स आ गए, बंसल जी एक बार जरा चार्ट पुल अप कर लीजिए, तब तक मैं नंबर्स हाईलाइट कर देता हूं। मुनाफा ज़्यादा नहीं, 42.5 करोड़ से बढ़कर 46.5 करोड़ आया है, तो कुछ ज़्यादा खास वृद्धि नहीं हुई है, करीब 4 करोड़ आपका मुनाफा बढ़कर आया है यहाँ पर, 10% की बढ़ोतरी दिख रही है, आय 136 करोड़ से बढ़कर 161 करोड़ आती हुई दिखी, तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर डिसेंट दिख रही है जहाँ तक इजी ट्रिप प्लानर्स का सवाल है। स्टॉक कुछ ज़्यादा करने के मूड में नहीं है, हालांकि नीचे से रिकवर होकर डेज हाई पर जरूर है, बट अभी भी 0.5% नीचे ही दिख रहा है, बट मुनाफे के में अपने करीब 10% की बढ़त देखी है, आय में करीब 25% की बढ़त यह दिखा रहे हैं, 136 करोड़ से बढ़कर 161 करोड़ की यहां पर आय आपको आती हुई दिख रही है। बंसल जी जरा देखें चार्ट सर, इजी ट्रिप। दीपांशु, चार्ट पॉजिटिव है, जिनके पास है होल्ड करें, जिनको लेना है गिरावट में 50 रुपए के अराउंड खरीदारी की राय होगी, और ऊपर में 55 रुपए के स्तर जब भी मिले
तो प्रॉफिट बुक करें, इन लेवल्स पे कुछ नहीं करेंगे, डिप में लेंगे और ऊपर के स्तरों पर प्रॉफिट बुक करेंगे, ऊपरी स्तरों पर यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे, बट इन लेवल्स पर कुछ नहीं करने की राय आ रही है इजी ट्रिप प्लानर्स के लिए। स्टॉक में भी ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है इस समय, बट हाँ थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है, तो नतीजों का एक्शन चल रहा है अनिल जी बाजार में। और आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए बैंक से बेनिफिट का। आशीष की लिस्ट है बेहद लंबी। देखते हैं आशीष जी किन किन का प्रवेश करवा रहे हैं और किसे बाहर निकलवा रहे हैं। आशीष जी बताइए। सर जैसे कि आपने बताया कि लिस्ट तो अब बहुत लंबी होगी है, 12 स्टॉक है हमारे पास बैन में, तो 12 में से बाहर निकलने वाला सिर्फ एक ही स्टॉक है नालको, जहां पर पोजीशन 80% से नीचे आई है, 79.35% हो गई है प्रिसाइजली, 80% से नीचे स्टॉक बैन से बाहर आ जाता है, तो एकमात्र नालको ऐसा स्टॉक है जहां पर पोजीशंस घटी है तो बैन से बाहर आएगा। इसकी सेकेंड सबसे कम पोजीशंस है यूपीएल, लेकिन 81.5%। वैसे समय हमारे पास अभी काफ़ी सारा बचा हुआ है, इसको भी मॉनिटर कर सकते हैं, शायद हो सकता है कि बैन से बाहर आ जाए क्योंकि नतीजों वाला अभी इंपैक्ट अब खत्म हो गया, लेकिन अभी फिलहाल 80% से नीचे नहीं है यहाँ पर पोजीशन। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो लगातार बैन में आ रहे हैं, वो है जी एंटरटेनमेंट, पोजीशन है यहाँ पर 101%, तो 95% के आंकड़े को क्रॉस करके अभी इसकी री एंट्री होगी जी एंटरटेनमेंट की बैन में। नालको बैन से बाहर आएगा, यूपीएल स्लाइड पॉसिबिलिटी है। ओके तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट का अपडेट आशीष की तरफ से। बदलाव हो रहे हैं, 12 स्टॉक्स इस समय बैन लिस्ट में बने हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुमित जी हुडको जरा इसको एक बार पुल अप कर लीजिए, इसके नंबर्स अभी अभी आए हैं, आय 19% बढ़कर आई है, मुनाफा डबल हो गया है 254 करोड़ से बढ़कर 519 करोड़ का यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहा है। जरा एक बार हुडको का चार्ट देखें सर, स्टॉक नीचे से रिकवर भी हो रहा है इस समय। दीपांशु बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है हुडको के अंदर। स्टॉक का अगर आप चार्ट देखोगे तो पिछले एक साल डेढ़ साल के अंदर वन वे अप मूव देखने को मिला है, और ये उन कुछ स्टॉक्स में से है जो हम कंटिन्यूसली लोअर लेवल से रिकमेंड भी करते हुए आ रहे हैं। अभी भी लगता है स्टॉक के अंदर मोमेंटम है और आने वाले दिनों में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 200 इसका इमीडिएट हर्डल है, 200 का लेवल इसके ऊपर क्लोज होता है और सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में 215 रुपये 220 रुपये ऐसे लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं और पोजिशनल तौर पर और ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। पोजिशन होल्ड करें, छोटा मोटा डिप में खरीदारी करें, पोजीशन होल्ड करें और छोटे मोटे डिप में खरीदारी करके चलें। हुडको ये आपके लिए एक्शन में आ रहा है, काउंटर स्पाइक हो रहा है। एक और कैश स्टॉक जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है बिरला कॉप, यहां पर भी इंटरेस्टिंग मूव आ रही है। एक बार जरा बिरला कॉप के चार्ट मेहुल जी से चेक कराते हैं। मेहुल जी जरा देखें, सीमेंट स्टॉक्स आज दोनों तरफ का एक्शन है, बिरला कॉप अच्छी गेन दिखा रहा है, सुबह से 6.5% ऊपर है सर, जरा राय दें इस चार्ट पर एक बार। दीपांशु देखिए ब्रेकआउट तो बहुत ही अच्छा है, 1630 के ऊपर ये ब्रेकआउट आया, तकरीबन मेरे हिसाब से 3-1 साल का कंसोलिडेशन है वो आज उसने ब्रेक किया है 1630 के ऊपर। तो यस यहाँ पे बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है ये काउंटर, और यहाँ पर काफी अच्छे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं प्रोवाइडेड एक सपोर्ट जो मैं बोलूँ 1470 के आसपास का है वो ब्रेक नहीं होता। तो 1470 जब तक ब्रेक नहीं होता है, तकरीबन यहाँ से 200 पॉइंट दूर है, हालांकि वो ब्रेक नहीं होता तब तक बाय ऑन डिप्स है ये काउंटर, और अपसाइड में पोटेंशियल है इसमें 1900 से 2000 तक की भी जाने की, बिकॉज जो ब्रेकआउट आया है बहुत ही अरसे के कंसोलिडेशन के बाद आया। ओवरऑल अगर मैं प्राइस टारगेट ब्रेकआउट का देखो जो रेंज है 600 पॉइंट की है, तो 1600 से हम 600 पॉइंट भी अगर अपसाइड देखते तो काफी बड़ा अपसाइड हो सकता है। टाइम लगेगा क्योंकि 4 साल का कंसोलिडेशन है, बट यस बाय ऑन डिप्स काउंटर है अभी बिरला कॉर्प। नजर रखिए बिरला कॉप पर। जीएमडीसी इसके नंबर्स आ रहे हैं, मुनाफे में काफी बड़ी कटौती हुई है, 266 करोड़ से घटकर इनका मुनाफा सिर्फ 117 करोड़ रह गया, तो बहुत बड़ा कट आया है। रेवेन्यू डीग्रोथ हुई है, 855 करोड़ से घटकर 565 करोड़ आई थिंक रिसेंटली कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो सकता है जिसकी वजह से ये हुआ है, बट काफ़ी कमजोर नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहे हैं, और नंबर्स आते ही स्टॉक में भी एक वर्टिकल फॉल आते हुए दिख रहा है। 266 करोड़ का मुनाफा घटकर 117 करोड़, 855 करोड़ की आय घटकर 565 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। जीएमडीसी बेहद खराब नंबर से इसके आ रहे हैं। सुदीप जी एक बार जरा चार्ट पुल अप करिए, तब तक मैं बाकी क्या वजह है जीएमडीसी के इतने खराब नंबर्स की वो एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, बट फर्स्ट कट कमजोर नंबर्स और सीधा 11% का कट स्टॉक में दिख रहा है सर। दीपांशु ये जो कट हमने देखा है आज जो अभी ये 10-11% का कट दिख रहा है, इसमें तो जो आपके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है इसको तो तोड़ दिया, और साथ ही साथ अभी ये स्टॉक
420 का जो लेवल है, जो 23 जनवरी को एक स्विंग लो लगाया था, ये उसको भी अभी चैलेंज करने की ये तरफ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 420 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर के लेवल से, जो स्ट्रक्चरली सेलिंग आई है आज जीएमडीसी में, कल हमने आरवीएनएल में देखा कि जहां जहां नंबर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है तो वहां पे जोर से पिटाई हो रही है यहाँ पे स्टॉक्स की। तो मुझे लग रहा है थोड़ा अब यहाँ पे बॉटम फिशिंग ना करें, इवन इफ आज रिकवरी भी थोड़ी बहुत आ जाए तो एक आध दिन रुक के ये नंबर्स को एनालाइज करें, मार्केट इसको क्या रिएक्ट करना चाहता है ये देख ले, एंड देन फिर बॉटम फिशिंग करना है तो वो वी कैन टेक अ लेटर कॉल। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे ये थोड़ा जो कट है ये थोड़ा और डीपन हो सकता है, और 420 के नीचे तो ये अराउंड 395 से 400 के लेवल्स तक जा सकता है। 420 के नीचे गिरा तो फिर 400 फिर 395 के लेवल्स भी आ सकते हैं। बेहद खराब नंबर्स हैं, रेवेन्यू लेड रीग्रोथ है, 34% इनकी रेवेन्यू कम हुए हैं, मुनाफा इनका आधा हो गया है, एबिटा इनका 64% गिरा है, 335 करोड़ का एबिटा 121 करोड़ हो गया है, और मार्जिन भी देखिए 39% के मार्जिन 21.5% के हो गए हैं। तो ऑलराउंड बेहद खराब परफॉर्मेंस है, और अब 14% नीचे जीएमडीसी इस समय दिख रहा है, बेहद खराब नंबर्स अंजी इसके आ रहे हैं, आधा मुनाफा हो गया है, 34% आय गिरी है, 64% एबिटा गिर कर आया सर। बिल्कुल दीप, और हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था ये, मेरे ख्याल से नवरात्रि पिक के वक्त वहाँ से एक अच्छा रन 500 रुपये के ऊपर तक बना भी, और वापस कमज़ोर हुआ। एक बार नतीजों का पूरा विश्लेषण करके हम अपडेट भी आपको देंगे कि क्या वाकई में खरीदने का वक्त वापस से आया है या फिर देखना है, क्योंकि इस माफ़ कीजिएगा इसमें जो रियल स्टोरी है वो रेयर अर्थ के माइनिंग को लेकर है, तो उस फ्रंट पर जो डेवलपमेंट होंगे वो इस कंपनी के लिए ज़्यादा काम के होंगे। तो थोड़ा हम नतीजों को विस्तार से देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे भी कि क्या करना चाहिए। फिलहाल आइए सोमवार के लिए काम अभी करते हुए दिख रहे हैं आपको बंसल जी, और तैयार उनके लिए बिल्कुल पिक ऑफ द वीक का। बताएं सर। अनिल जी पहले सबसे पहले बताने की बात क्या है, लो प्राइस स्टॉक है, लॉट साइज बड़ा है, तो कैश के लेवल्स दे रहा हूं, फ्यूचर में खरीदारी से बचें क्योंकि लॉट साइज बहुत बड़ा है। खरीदारी की राय है वोडाफोन आइडिया पर, काफी एक अच्छा अपमूव दिखाने के बाद, 8 रुपए से एक बड़ी रैली दिखाने के बाद, स्टॉक में 17.5-18 रुपए के बाद करेक्शन देखने को मिली थी, उस करेक्शन के खत्म होने के संकेत आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीक के नजरिए से वोडाफोन आइडिया पर खरीदारी की राय है 14.50 रुपए 14.5 पे लगाना है स्टॉप लॉस, 17.5 पहला टारगेट, 18 दूसरा टारगेट, इन दो टारगेट्स के लिए वोडाफोन आइडिया है पिक ऑफ द वीक। वोडाफोन आइडिया है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, कैश मार्केट में खरीदिए फ्यूचर्स में नहीं, क्योंकि लॉट साइज है बेहद बड़ी, तो ऐसे में 14 रुपए, और ये तो डिलीवरी अफोर्ड भी कर सकते हैं आप आराम से, 15-16 रुपए की डिलीवरी लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती 17.50-18 के टारगेट के लिए। बिल्कुल आइए, बिल्कुल नहीं, कोल इंडिया का रिजल्ट आने वाला है, आइए अनुमान जान लेते आशीष से। आशीष बताइए। सर नतीजे आ रहे हैं हल्के कमज़ोर, दरअसल पिछले साल अगर आप देखें तो कोल शॉर्टेज की बातें हो रही थी और इसी के चलते जो ई ऑक्शन प्रीमियम्स है वो काफ़ी शूट अप कर गए थे, अब वहाँ से अगर आप देखें तो प्रदर्शन तो ठीक ठाक है लेकिन ऊंचे बेस का इम्पैक्ट, और पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, 90% की तेज़ी पिछले 6 महीने में कोल इंडिया में आपको देखने को मिली है। आंकड़े बता देता हूँ, जो टॉप लाइन है लगभग फ्लैट देखने को मिलेगी, कामकाजी तौर पर जो मुनाफा है पिछले साल के मुकाबले कामकाजी मुनाफा यानी 12% की डीग्रोथ है, और मार्जिन तकरीबन 4% तक करेक्ट हो सकते हैं, 30% से घटकर 26% के जो मार्जिन हैं वो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, और सिमिलरली अगर आप देखें तो जो मुनाफे का आंकड़ा है वो भी 6,720 करोड़ के आसपास है, 7,756 करोड़ इसी तिमाही के दौरान पिछले साल था, यानी 13% की डीग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। जो ई ऑक्शन प्रीमियम्स हैं ओवर एफएसए वो 70% के आसपास देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि नतीजों के साथ डिविडेंड के ऊपर भी ऐलान होगा और कोल इंडिया काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है तो यहाँ पर भी नज़र रख सकते हैं डिविडेंड का कैसा ऐलान आता है, कितना डिविडेंड देती है कंपनी। आंकड़ों के लिहाज से ऊंचे बेस के चलते नतीजे हल्के कमज़ोर आ रहे हैं, कमजोर रहने की उम्मीद है, और अगर हल्के कमजोर नतीजों का थोड़ा अनुमान लेना हो कोल इंडिया के लिए, जीएमडीसी अभी आया ही है माफ कीजिएगा, जीएमडीसी के नंबर्स खराब रहे हैं, जीएमडीसी भी कोल माइनिंग में ही है, मिलता जुलता है थोड़ा कारोबार काफी हद तक, तो वो आप नंबर्स के हिसाब से देख सकते हैं कोल इंडिया में भी कमजोर आने की आशंका। आइए अगला बिल्कुल सुदीप शाह साहब के लिए बीटीएस डबल टिका। सुदीप जी बताएं सर। अनिल जी एक स्टॉक अभी रेडार में आया है जो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट कंसीडरिंग द करंट मार्केट में जो फॉल आया है और काफी मिड कैप लार्ज कैप्स में भी फॉल आया है, तो स्टॉक का नाम है ग्रासिम,
ग्रासिम में यदि हम देखें तो जो क्लोजिंग बेसिस पे अब सबसे हाईएस्ट लेवल पे अब क्लोज दे रहा है, और इनफैक्ट पिछले 7-6 से 8 वीक का एक कंसोलिडेशन था यदि हम देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसमें से ब्रेकआउट हो ही रहा है। और एक बेस स्ट्रॉन्ग बेस स्टॉक ने जो था वो 2000-2050 के करीब बनाया था, और आज ये बड़ी रैली आई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो हिसाब से ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो रहा है और पुट राइटिंग भी हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आप डेली वीकली मंथली चार्ट पे भी देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ये स्टॉक का है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्रासिम को अगले 1 से 2 सत्रों के लिए लिया जा सकता है 2130 के स्टॉप लॉस से, 2220 और 2240 के टारगेट्स के लिए। सिंपल रखिए नजर, डेज हाई पर ये भी ट्रेड कर रहा है। सीमेंट के कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन बना हुआ है, और सुदीप के रडार पर ग्रासिम का काउंटर आ रहा है। बट आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, इस हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रेटजी। अनिल जी, अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ ज्यादा खास करने के मूड में दिख नहीं रहे हैं, 3 दिन से रिकॉर्ड बन रहे हैं, देखते हैं आज चौथे दिन क्या होगा। कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन आज नतीजों के लिहाज से या डेटा के लिहाज से भी नहीं आने वाला, थोड़े रिवाइज डेटा जरूर आएंगे। बट बैंक निफ्टी डेज हाई पर 650 निफ्टी भी 60 पॉइंट ऊपर है, क्या करके जाना है सर? दीप, नई पोजीशन कुछ भी नहीं बनाना, न निफ्टी में न बैंक निफ्टी में, न खरीदारी के न बिकवाली के। उसका रीजन ये कि इट्स नॉट वर्थ टेकिंग अ रिस्क जहां आप बंद हो रहे हैं। बहुत ख़राब बंद नहीं हो रहे हैं कि आपको ऐसा लगे कि कुछ ब्रेकडाउन हो गया, बहुत अच्छे बंद नहीं हो रहे हैं कि कोई ब्रेकआउट हो गया। वही ऊपर में 850 यानी 75 पॉइंट ऊपर का सपोर्ट है, नीचे में 700 के आसपास सपोर्ट है। सो और दिन के दौरान आजकल हर रोज़ पूरा हफ्ता देखिए, रोज मार्केट आपको मौका देता है, और लेटर्स क्यों रखना है तो छोड़ दीजिए। और वैसे भी डाओ भी 12-13 पॉइंट ऊपर नीचे रोज होता है, पता तो चलता नहीं। वापस जब बंद होगा तो 100-150 ऊपर नीचे 200 होगा। सो डाओ का मूव भी आपके लिए अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है दीप की छोड़ दीजिए, नया कुछ भी मत करिए, जाने दीजिए इसको, पहली चीज ये। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, ठीक है 650 पॉइंट बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसी क्लोजिंग नहीं दे रहा जिससे कि मुझे बहुत ही मजा आ जाए, है ना। 4500-4600 ऊपर का रुकावट का रेंज है, नीचे में 4500 के आसपास सपोर्ट है। तो बेहतर यह है कि जो कुछ करना है सोमवार की सुबह आके करना है, अभी कुछ नहीं, नो न्यू पोजिशंस, जो करेंगे अब सोमवार को आके करेंगे। अगर है तो हेज जरूर बना ले, अदरवाइज कोई नई पोजिशन मत दीजिए। नया दिन नया हफ्ता मंडे को शुरू होगा, तब हम देखेंगे बाजार में क्या करके जाना है। बट आज के कुछ जो मूविंग स्टॉक्स हैं उसमें क्या करके जाना है ये एक बार राय ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। ICICI बैंक सुबह से ही काफी बढ़िया मूड में है, मेहुल जी अगर इसमें ट्रेड लिया हो तो क्या करके जाए सर, 2% ऊपर बंद हो रहा है। दीपांशु देखिए, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी डिस्कस किया और कोटक बैंक भी बाय दिया है, तो सिमिलर व्यू है मेरा। इनफैक्ट पिछले वीक शायद मेरा पिक ऑफ द सीरीज भी रहा है ये काउंटर, तो बुलिश ही हूँ मैं ICICI बैंक में। जब तक डाउनसाइड पे 970 ब्रेक नहीं होता तब तक ही काउंटर में एक मजबूती बनी रहेगी, और किसी भी डिप में इसमें बाइंग की जा सकती है। 970 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में कोई शार्प मोमेंटम दिख नहीं रहा है, बट ये जब 1040-1050 निकल जाएगा तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा। हो सकता है कि एक आध महीना और लग जाए कंसोलिडेट करे, बट ओवरऑल बाय ऑन डिप्स है। अपसाइड में फिलहाल कैप है 1040 का, जब भी एक कैप निकलेगा तो एक बड़ी तेजी ICICI बैंक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ICICI बैंक बड़ी तेजी इसमें आती हुई दिख सकती है। अमंग्स बैंक्स टॉप गेनर है बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर आज एक अच्छी मूव दिखी है। सुदीप जी बैंक ऑफ बड़ौदा पर एक बार राय देते सर, क्या करके जाना है इसमें? दीपांशु यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर चार्ट देखे तो जो हिसाब से पिछले 2-3 दिन में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अंडर परफॉर्मेंस देखा था PSU बैंक इंडेक्स मुकाबले, जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने जब करेक्शन दिखाया था 260 से लेके 245 तक, तो आज ये जो कैंडल हम देख रहे थे ये पूरा जो डाउन मूव था उसको एंगल्फ कर रहा है, और जो ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर था जो लॉन्ग मीडियम टर्म में जो तेजी का स्ट्रक्चर था ये वापस से अब वही डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से PSU बैंक इंडेक्स में भी आज पिछले 1-2 दिन से हम बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देख रहे थे, और ये इनलाइन परफॉर्मेंस बैंक ऑफ बड़ौदा से देखा गया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बाय किया जा सकता है, फिर जिसके पास है उनको होल्ड भी करना चाहिए। 256 के स्टॉप लॉस के सामने मुझे लग रहा है ऊपर के साइड ये 272-274 के लेवल्स आने वाले कुछ सत्रों में आ सकते हैं, और कंपैरेटिव टू अदर स्टॉक्स यहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर है एक्शन भरपूर, बैंक ऑफ बड़ौदा भी मजबूती के साथ
माफ कीजिएगा, आइए बढ़ते आगे और वक्त है जय ठक्कर से मुलाकात करने का कैश का ऑप्शन लेने के लिए। जय जी बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी बैंक ऑफ बड़ौदा ही मेरा कैश का ऑप्शन है, 265 का कॉल खरीदे, 9.70 रुपए, 9.80 रुपए एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है ये। मैं स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन दे रहा हूँ, बताता हूँ रीजन एंड टारगेट सुपर अनिल जी जो इसके निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 15.20, 15.20 रुपए का फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड टारगेट जो है अनिल जी वो 18 रुपए का है। 15.20, 18 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। बॉब का 265 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 6.80 का, 6.80 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे खरीदारी करें। रीजन मेन जो भी सुदीप ने भी बताया, टॉप गेनर, लॉन्ग एडिशंस, क्लियर अपवर्ड मोमेंटम, ये सारे पैरामीटर्स पर रनिंग जी अच्छा लग रहा है बॉब। और जो हिसाब से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक तेजी देखने मिली, इनफैक्ट बैन में है पीएनबी जी, पीएनबी भी पसंद है मुझे, बट बैन में है तो यहाँ पे आप एफएनओ में ट्रेड नहीं कर सकते। कैश में डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है 130 हो जाएगा। और बैंक निफ्टी का ज्यादा सवाल है, अच्छा क्लोज है, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है डेली चार्ट्स पर, बट देन ज्यादा बैंकिंग बैंक निफ्टी का प्रीमियम है वो थोड़ा हायर साइड पे अनिल जी, अगर 45,700-800 के ऊपर क्लोज आता थोड़ा और कंफर्ट मिलता, बट पीएसयू स्टॉक्स में तो एज फार एज यू नो बैंकिंग पीएसयू स्टॉक्स है उसमें डेफिनेटली अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है, हेंस बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल रेकमेंड किया है। खरीद कर जाइए, टॉप गेनर आज बैंक निफ्टी का, सुबह से एक्शन इसमें दिखा था, फिर थोड़ी गिरावट आई, उसके बाद जो रिकवरी आई है वो शानदार रही है। 700 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, तो कल की गिरावट ऑलमोस्ट पूरी तरह बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है। और सुबह प्राइवेट बैंक्स लीडरशिप दिखा रहे थे, अभी भी प्राइवेट बैंक्स आगे हैं, बट पीएसयू बैंक्स में दमदार रिवाइवल आज के दिन आते हुए दिखा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, अच्छी गेंस के साथ बाजार बंद होने की तैयारी में है। निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी आपका 700 पॉइंट ऊपर है, 225 पॉइंट ऊपर आपको सेंसेक्स की क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। टॉप गेनर आपका ग्रासिम है, ऑलमोस्ट 6% ऊपर, सुबह भी इस पर बात हो रही थी। SBI लगातार एक्शन में है, नया रिकॉर्ड इस पर बनते हुए दिख रहा है, 725 के लेवल पर 3.5% ऊपर। ICICI बैंक से पूरा सहारा मिला है, एक्सिस बैंक में भी आपको खरीदारी दिखी थी, कोटक बैंक टुवर्ड सेकंड हाफ आपको एक्टिव होते हुए दिखाए, बट दिग्गजों का भी आज पूरा एक्शन था। रिलायंस इंडस्ट्रीज सुबह से खरीदारी दिखा रहा है, इसकी तरफ से सहारा है। बजाज फाइनेंस में भी आपको एक्शन दिखा है, HDFC बैंक, ITC ये भी आपको थोड़ा पॉजिटिव ही होते हुए दिखे हैं। 1:1 है एडवांस डिक्लाइन रेशियो निफ्टी का, गिरावट थी आज M&M में, 2.5% का कट इस पर आपने देखा है। ONGC, NTPC, टाटा स्टील, हिंडालको, JSW स्टील, ये सारे काउंटर्स वीक थे। कोल इंडिया नतीजों से पहले थोड़ा कमजोर रहा, टाटा मोटर्स में आज मुनाफा वसूली थी, डिवीज, अल्ट्राटेक, L&T, मारुति, यहाँ पर भी आपने नरमी आते हुए देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त एक्शन आपको बनते हुए दिखा है जी एंटरटेनमेंट में, बैंक ऑफ बड़ौदा, वोडाफोन, आरती इंडस्ट्रीज, ACC, इंडिया सीमेंट्स, ये सारे स्टॉक्स काफी एक्टिव थे। ओरेकल फाइनेंस वन वे मूव इस पर चली रही है, साल की शुरुआत से आज भी अच्छा एक्शन इसने दिखाया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, भारत फोर्ज, अंबुजा सीमेंट, हीरो मोटो, सन फार्मा, अतुल लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे काउंटर्स आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखे हैं। गिरावट आई है PFC REC में 8-9% की, हिंदुस्तान कॉपर, रैमको सीमेंट्स, HAL, एस्कॉट्स कुबोटा, सेल, टाटा पावर, गेल, बायोकॉन, गुजरात गैस, पेट्रोनेट, डेल्टा कॉप, HPCL, EB फैशन, ये सारे काउंटर्स कमजोर रहे हैं। कैश मार्केट में आज थोड़ी ज्यादा मुनाफा वसूली थी, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों फिसले हैं, हालांकि एंड में थोड़ी रिकवरी है, निचले स्तरों पर नहीं बंद हो रहे हैं, बट हाँ 1% नीचे मिड कैप और करीब 1.5% नीचे स्मॉल कैप आपका बंद होते हुए दिख रहा है। RVNL में 8% का कट था, GIC, रेलटेल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, फिनोलेक्स केबल्स, MRPL, SJVN, पेटीएम लगातार कमजोर है, EIL, सुंदरम फास्टनर्स, IRFC, NLC इंडिया, ये सारे स्टॉक्स फिसले हैं। होल्ड आउट किया है प्रिज्म जॉनसन और बिरला कॉप ने, साथ ही होल्ड आउट किया है आपके लिए थर्मैक्स ने, जोमैटो में एक बार फिर से खरीदारी थी, 150 के लेवल्स आ गए हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, अदानी ग्रीन और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन आपको दिखाया। तो अनिल जी ओवरऑल जो कल की गिरावट थी वो बैंक्स ने लगभग पूरी तरह से रिकवर कर रही है, थोड़ी ब्रॉडर मार्केट की गिरावट थी बट बैंक्स का शानदार कमबैक सर। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छी क्लोजिंग में देखने को मिली है और निफ्टी की भी क्लोजिंग कोई खराब नहीं मानी जाएगी, ठीक ही मानी जाएगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर नुकसान के साथ बंद हुए, यहाँ करेक्शन रहा है 1% के आसपास का मिड कैप इंडेक्स में, लेकिन यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा की रिकवरी निचले स्तरों से हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुआ, तो ठीक है कमजोरी तो है लेकिन उतना बुरा हाल नहीं रहा, ये आप कह सकते हैं।
फाइनल क्लोजिंग आपके लिए आती 65 अंकों की तेजी के साथ 61,782 पर निफ्टी बंद होता हुआ 167 अंक ऊपर 71,600 के आसपास, सेंसेक्स बंद होता हुआ 622 अंक ऊपर 45,635 के आसपास, बैंक निफ्टी बंद होता हुआ ये आपके लिए क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रहा नुकसान, डाउ फ्यूचर्स 13 पॉइंट नीचे और नैस्डेक फ्यूचर्स 38 पॉइंट नीचे। ये है समाचार समाप्त करने का के वक्त का हाल, आइए विदा लेने का वक्त है। विश्वेश जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद मेहुल जी का, सुदीप शाह साहब का और जय ठक्कर का भी हमारे लिए आज साथ देने के लिए।